हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद सर। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 10, कंटिन्यूएशन ऑफ सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर गिवन सर्किट। सो एज यू कैन सी, आई हैव ड्रॉन डिफरेंट सर्किट्स एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर ईच सर्किट। सो एक और चीज जो आपको इसमें समझना है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज कैपिटल सी। सो इसमें दो क्वेश्चन है जिसके कैपेसिटेंस ना कैपिटल सी नहीं है हर केस में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इन दीज टू केसेस यू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस गिवन, यहां पे 2C है। सो बाकी सारे क्वेश्चन में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी कैपिटल सी। बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हम थोड़ी सी बेसिक चीजों पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आते हैं, या कुछ चीजें हैं जो हमें यूज करना है इस डेरिवेशन में, यहां पे इस क्वेश्चन में। तो जो सबसे पहली बात है कि अगर आपने कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, तो पैरेलल का क्या रूल होता है, ये होगा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो मतलब फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लस सेकेंड कैपेसिटर कैपेसिटेंस एंड अप टू एन कैपेसिटर। सो वैसे अगर आप सीरीज के लिए ले रहे हो तो क्या होगा, कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 एंड इट विल गो अप टू व्हाट, एन कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है जो मेरे हिसाब से बेटर होगा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं, कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि मोस्टली आपको ऐसे कंडीशंस देखने को मिल जाएंगे जहां पे दो कैपेसिटर है और आपको रिजल्टेंट निकालना है और वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये आपने लिखा ये रिजल्टेंट कैपेसिटर फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्राइटेरिया सिंपल सा है, आपको लेना फर्स्ट कैपेसिटर इनटू सेकेंड कैपेसिटेंस, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर वैल्यू, दैट मींस फर्स्ट कैपेसिटेंस इनटू सेकेंड कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ दोज टू कैपेसिटेंस। तो ये डायरेक्ट टेक्निक है, इसको हम डायरेक्टली यूज करते रहेंगे हर बार। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि अगर ये कैपेसिटर है, यू इमेजिन दिस द कैपेसिटर एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। सो ये पावर सप्लाई हमने कंसिडर कर लिया। सो यू इमेजिन पावर सप्लाई का वैल्यू क्या है, वी है। ठीक है, तो अब ये वी का मतलब क्या होता है ना, कि जो इसका एक टर्मिनल है उसकी वैल्यू आप इमेजिन करो, यहां पे वी है, जो अदर टर्मिनल पे वैल्यू जीरो होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही सर्किट में करंट फ्लो होगा या जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा। तो अब यहां पे क्या होता है, एक और कंडीशन होता है, जब तक ये वायर है ना तब तक आपको क्या होना, पोटेंशियल ड्रॉप आप इमेजिन कर दो कि जीरो है, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। लाइक अगर ये वी है या 5 वोल्ट अगर आपने लिया, मान लो अगर 5 वोल्ट है, तो आपको ना वो जंक्शन देखना जो कैपेसिटर का पहले का है। तो कैपेसिटर का पहले का जंक्शन ये है, हम उस मेथड को फॉलो करेंगे। एक्चुअली ये तो कैपेसिटर के बहुत क्लोज तक भी जा सकते हो, बट हम देखेंगे कैपेसिटर के पहले वाला जंक्शन, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो ऐसा इमेजिन किया कि ये यहां पे जो पोटेंशियल होगा, मतलब वो कैपेसिटर के इस प्लेट को अप्लाइड हो रहा है, और इस जंक्शन पे जो होगा कैपेसिटर के इस प्लेट पे अप्लाई होगा, हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं। तो अगर ये वी पोटेंशियल है, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट वायर है, जहां पे भी वायर होगा वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, यहां पे किसी भी पॉइंट पे ले लो, हर जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। लाइक मैंने 5 वोल्ट लिया है तो ये 5 होगा, अगर आपने वी वोल्ट लिया है तो ये वी होगा। ठीक है, अब इसके आगे भी जाओगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट में बिफोर द कैपेसिटर, जस्ट बिफोर द कैपेसिटर आपको 5 वोल्ट मिलेगा। कैपेसिटर से पास होने के बाद उसका जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस केस में 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब ये इतना पोटेंशियल यूज करेगा, फिर उसके बाद आगे जाकर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये अगर यहां पे ले तो ये जीरो होगा, इस पॉइंट पे यहां पे भी जीरो होगा, यहां तक कैपेसिटर तक जीरो होगा, बट हमें उससे मतलब नहीं है, कैपेसिटर के पहले वाला जो जंक्शन है वहां तक हम क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे। तो ये पार्ट को आपको कंसिडर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी यहां पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल असाइन करना। तो आप इमेजिन कर लो कि कोई भी कैपेसिटर या कोई भी कनेक्शन होगा, उसको ना आप एक पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हो, जिसका एक वैल्यू वी है, सेकेंड जो वैल्यू होगा वो जीरो लेंगे हम, इसी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। तो जैसे आपने फर्स्ट डायग्राम ले लिया, तो फर्स्ट डायग्राम में क्या होगा, यहां पर ये जो वैल्यू है यहां पर हमने वी ले लिया ये पार्ट पे, और जो बी है वहां पर क्या ले लिया, जीरो पोटेंशियल ले लिया। तो अब हम असाइन करते, तो कितने जंक्शन से पहले वो देख लो, एक तो ये जंक्शन है यहां पर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये और ये, फिर ये चौथा जंक्शन, सो देयर आर 4 जंक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं ये फर्स्ट जंक्शन तक जाने तक ना ये वायर है, इट्स जस्ट अ वायर कंडक्टर, तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल वी ही रहेगा। बराबर, पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है ना, जब वो कैपेसिटर से पास होगा। तो अब देखो दूसरा पार्ट देखो, अब एक तो यहां से ये वी है, अब ये ना इधर जाएगा कैपेसिटर बल से,
जब ये कैपेसिटर 1 से पास होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब ये वी नहीं रहेगा, हमें उस पार्ट को फॉलो नहीं करना। फिर हम दूसरे वायर पे देखते हैं, दूसरा ये ब्रांच पे देखो, ये ब्रांच पे ये वायर है, कहां जा रहा है वायर, यहां तक जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा ना उसकी वैल्यू को हम क्या लेंगे, ये वी ही रहेगा, करेक्ट ना। देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप फॉर दिस वायर है ना, इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये वायर है तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इस पॉइंट पे वी है तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, वी होगा। एक बार हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर आगे इतना चीजें थोड़ी फास्ट हो जाएंगी। अब देखो यहां पे ये पर्टिकुलर पार्ट पे, सो ये हो गया, ये जंक्शन पे भी होगा, ये जंक्शन पे भी होगा, क्योंकि यहां पे भी है तो ये वायर से कनेक्टेड है, तो यहां पे भी क्या होगा, वी ही होगा। अब इस पार्ट पे आ जाओ, यहां पे क्या है, ये जीरो है, तो यहां तक तो कोई वायर है, यहां तक कोई कैपेसिटर है नहीं, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल होगा। अब जब ना इस कैपेसिटर से पास होगा तो मतलब ये कैपेसिटर का कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका कुछ पोटेंशियल एक्वायर होगा, मतलब ना यहां से जब हम ना ऐसे जाओगे तब वो जीरो हुआ होगा, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप करके जीरो को एक्वायर किया होगा, क्योंकि जीरो पोटेंशियल गेन तो नहीं, मतलब यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल गेन करेगा ना, अगर वो हिसाब से देखो तो जीरो से पोटेंशियल ड्रॉप तो नहीं होगा, तो यहां पे आप कंसीडर करो ये जीरो है, तो अब यहां से कोई पोटेंशियल ड्रॉप होके जीरो पे आया रहेगा, तो मतलब ये कैपेसिटर का अपना पोटेंशियल का चेंज हुआ रहेगा, तो आप ये ब्रांच नहीं ले सकते। अब हम आ जाते हैं इस ब्रांच पे, ये वायर है, देखो ये वायर है, करेक्ट ना, सो यहां पे क्या होगा, अगर इस एंड पे आपको जीरो मिल रहा है तो ये वायर के थ्रू कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो यहां पे भी क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा, गॉट इट। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, तो आप देखो सारे जंक्शन की वैल्यू पता है, इस जंक्शन पे भी है, इस जंक्शन पे ओ है, इस जंक्शन पे भी है, इस जंक्शन पे ओ है, सारे कैपेसिटर के बिफोर एंड आफ्टर की वैल्यूज हमें पता चल गई। अब देखो इसमें कितने वैल्यूज है वो आप फोकस करो, तो वी और ओ ही, सॉरी ओ नहीं, वी और जीरो ही मिल रहा है हमको, सो अब हम ना पोटेंशियल असाइन करते, तो हमें दो ही पॉइंट मिल रहा है, कौन से दो पॉइंट मिल रहे हैं, दो ही पोटेंशियल, एक है वी और जो दूसरा पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो। इन दो पोटेंशियल के बीच में ही सारा कंडीशन है हमारा, और वो क्या होगा, ए एंड बी के बीच का कैपेसिटेंस देगा। तो अभी हम देखते हैं पहला कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर में सी वन की बात करता हूं, तो वी पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल, तो ये मैंने यहां पे वी पोटेंशियल ले लिया, और ये वी पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल के बीच में कौन सा आ गया, मैं कैपेसिटर वन आ गया, ठीक है। अब मैं सेकेंड कैपेसिटर पर आ जाता हूं, सेकेंड कैपेसिटर सी टू, तो ये भी जीरो और वी पोटेंशियल के बीच में, कैपेसिटर सी टू इज ऑल्सो बिटवीन जीरो एंड दिस यू कैन से वी, तो ये वी और जीरो के बीच में आ गया, तो ये उसके साथ में पैरेलल टाइप में हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, सी थ्री को देखो, तो वी पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल के बीच में ये भी है, ठीक है, तो ये भी हो गया, एक एन उसका वी पे और एक क्या है जीरो पे, तो ये आपको इस तरह से कनेक्शन मिल गया, बराबर। तो ये क्या हो गया, विच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, इट्स अ पैरेलल, अगर आपको इंडिकेट करना है तो यू कैन इंडिकेट दिस इज द एन ए एंड दिस इज वॉट एन बी, ठीक है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल में आप मेंशन करोगे ना C1, C2 and C3 are in parallel. अगर ये पैरेलल में है तो क्या होगा, सो पैरेलल का आपने फॉर्मूला देखा है, पैरेलल का क्राइटेरिया सिंपल सा, CP is equal to C1 plus C2 plus C3. अब जो हमने डिस्कस किया है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज कैपिटल C, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल C प्लस कैपिटल C प्लस कैपिटल C, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 3C, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी व्हाट 3C, ठीक है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 3C फॉर द फर्स्ट डायग्राम। अब हम सेकंड डायग्राम पे आ जाते हैं, सेकंड डायग्राम को अगर आप देखते हो तो सेकंड डायग्राम में क्या क्राइटेरिया है, ये देखो इस एंड पे हमने क्या दे दिया, वी पोटेंशियल, करेक्ट, इस एंड पे हमने क्या दे दिया, जीरो पोटेंशियल, तो यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, बराबर। तो ये जंक्शन कितने जंक्शन को भी दे दिए थे, वन टू थ्री एंड फोर जंक्शन, फर्स्ट जंक्शन में पोटेंशियल वी होगा, करेक्ट ना, क्योंकि यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, वायर है जस्ट। अब ना अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपका कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये भी जस्ट वायर है ना, तो ये जो ये जंक्शन पे भी आपको वी मिल जाएगा, करेक्ट। अब अगर मान लो कि मैं इसके थ्रू जाने की कोशिश करता हूं, यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये आइडिया भी आप ड्रॉप कर दो। अब यहां पर आ जाते हैं, ये जीरो है, ये वायर है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, फाइन। अब ना यहां पे देखो ये पर्टिकुलर पार्ट में ये वायर है, तो यहां पे भी इस जंक्शन पे भी क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। अब अगर इस कैपेसिटर से जाओगे क्या होगा, तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि क्या मुझे सारे जंक्शन के पोटेंशियल पता चल गए, तो देखो ये फर्स्ट जंक्शन का, ये जंक्शन का पता है, ये जंक्शन का भी, मतलब अब आप मुझे देखना है कैपेसिटर के बिफोर एंड आफ्टर का पोटेंशियल पता है, तो इस कैपेसिटर का बिफोर वी है, इस कैपेसिटर का आफ्टर जीरो है, इस कैपेसिटर का बिफोर वी है, ठीक है, ये सॉरी ये सी टू बिफोर वी है एंड आफ्टर जीरो है, कैपेसिटर सी थ्री देख लो बिफोर वी है एंड आफ्टर जीरो है, तो इसका भी वैल्यू मिल गया। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फिर सी ना सी वन बिटवीन वी एंड जीरो,
सी टू बिटवीन वी एंड जीरो, ठीक है, सी थ्री इज ऑल्सो बिटवीन वी एंड जीरो, तो आपको ये सेम कंडीशन मिलेगा और सेम सोल्यूशन फॉर द सेकेंड डायग्राम। तो जो भी आपको फर्स्ट डायग्राम में आंसर मिल रहा है वही आंसर मिलेगा आपको सेकेंड डायग्राम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया, वापस से सेम क्राइटेरिया हमारा कि हमको पोटेंशियल असाइन करना, इसको हमने वी असाइन किया, यहां पे जीरो असाइन किया, करेक्ट। तो अब देखो ये पर्टिकुलर पार्ट पे ये वायर है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा, वी ही रहेगा। अब इस ब्रांच में जाओगे तो ये वायर है ना, जैसे कंडक्टर, तो ये वायर है तो यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा ना, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ इस ब्रांच में, बट इस ब्रांच से पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि कैपेसिटर है, उसको लीव कर दो। अब अपोजिट साइड में जाते हैं, ये जीरो है, यहां पे वायर है तो ये पोटेंशियल जीरो होगा। अभी इस ब्रांच से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, जिससे ड्रॉप नहीं, इसको देखते हैं, ये ब्रांच से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये जस्ट वायर है, तो यहां पे क्या होगा, जीरो हो गया, बराबर। अब देखते हैं कि हमको हर जंक्शन का पोटेंशियल पता है, तो ए जंक्शन, इस जंक्शन, इस जंक्शन, सबका पोटेंशियल पता चल गया हमको, इस जंक्शन का वी है, इस जंक्शन का जीरो है, इस जंक्शन का जीरो है, इस जंक्शन का वी है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो कैपेसिटर वन के पहले वी है एंड आफ्टर क्या है, जीरो है। कैपेसिटर टू के लिए भी वी एंड जीरो के बीच में, कैपेसिटर थ्री इज ऑल्सो बिटवीन वी एंड जीरो, तो वो भी सेम आपको सोल्यूशन देगा। तो वी एंड जीरो के बीच में सी वन सी टू सी थ्री, तो ये पैरेलल में होगा एंड फाइनल आंसर आपको मिलेगा थ्री सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन विल गिव यू सेम सोल्यूशन। डायग्राम देख के आपको फील हो सकता है कि डायग्राम्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, शायद समझ में नहीं आए, बट इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ पोटेंशियल असाइन करना है एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्लॉट, यू नीड टू ड्रॉ डायग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन यू सी द फोर्थ क्वेश्चन यू मे फाइंड लिटिल ना कॉम्प्लिकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड ऑल। डायग्राम देख के आपको ऐसा लगे कि है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी देख लेते हैं कि इसको क्या करना है। तो इस केस में भी ना सेम क्राइटेरिया जैसा हमने ना बाकी सब में फाइंड आउट किया था, तो आप जो पॉइंट ए है उसको आप दे दो पोटेंशियल बी, है ना, यहां पे पोटेंशियल बी दे दो, जो पॉइंट बी है उसको असाइन कर दो पोटेंशियल जीरो, ठीक है, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अब अगर मैं ना आगे बढ़ता हूं तो मैं पहले बी से ही देख लेता हूं, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये वायर है, करेक्ट ना, ये जो जंक्शन है, जंक्शन कितने बने पहले वो देख लेता हूं, वन टू थ्री एंड फोर जंक्शन, हमारा टारगेट है इन जंक्शन का पोटेंशियल निकालना। जंक्शन का पोटेंशियल अगर आपको निकल जाता है ना, तो फिर वो क्या है, अक्रॉस द कैपेसिटी का पोटेंशियल आपको मिल जाता है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये V होगा, बराबर। अब अगर मैं इस ब्रांच से जाता हूं तो देयर इज अ कैपेसिटर, तो देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये आगे जाके V नहीं होगा, तो मैं इस ब्रांच को नहीं लेता हूं अभी। अगर आप इस ब्रांच पे जाते हो तो यहां पे अगेन कैपेसिटर है, तो यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आई विल नॉट टेक दैट ऑल्सो। अब अगर आप यहां पे लेते हो ना, ये जीरो है, तो जीरो लिया तो आपने ये जो है पर्टिकुलर पार्ट पे जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि दिस इज अ वायर, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट देख रहे हो, ये भी जस्ट वायर ही है, यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो अब क्या हो गया, यहां पे ना इसका पोटेंशियल पता चलेगा, इस जंक्शन का, इस जंक्शन का पता चल गया, इस जंक्शन का पता चल गया, ठीक है। अब उससे पहले जो थर्ड जंक्शन को असाइन करने से पहले, जो जो लास्ट वाला जंक्शन है उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम, कि मान लो ये कैपेसिटर सी वन है, ठीक है, ये कनेक्टेड है इन सीरीज विद द कैपेसिटर सी टू, और हमारा अजम्पशन इसको हमने पावर सप्लाई दिया है, जैसे ये वी का वैल्यू है, ठीक है। तो वी का वैल्यू से पहले, जो वी का वैल्यू, इसका वैल्यू आप मान लो 6 वोल्ट है, तो अब यहां पे ना यहां से यहां तक तो ये 6 वोल्ट होगा, बराबर। अब एक चीज और सिंपल है, इसको मैंने जीरो लिया है तो यहां पे भी जीरो होगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये कैपेसिटर वन से पास होकर जाएगा तो यहां पे क्या होगा पोटेंशियल, तो यहां पे ये 6 है तो मे बी अगर इनकी वैल्यूज डिफरेंट होगी, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहां पे 4 ले लिया, फॉर एग्जांपल 4, तो यहां पे कितने पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यहां पे पोटेंशियल 2 का ड्रॉप होगा, और ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करके जीरो पे जाएगा, 4 पोटेंशियल, 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप करके जीरो पे जाएगा। तो ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 0 हो गया। तो नॉर्मल अगर मैं लूं, अगर इसको मैंने वी लिया, तो ये वी हो गया, ये 0 हो गया, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू टेक दिस वन, तो आप इसको एक इमेजिनरी पोटेंशियल एक्स ले लो। तो जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि वी और जीरो से काम नहीं बन रहा है, यू नीड टू हैव अ न्यू पोटेंशियल ऑल्सो, तो आप क्या करोगे, उस पोटेंशियल को एक्स ले लोगे, ठीक है। और जब हम ना डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम पे क्या करना है, मैं यहां पे वी को इमेजिन करूंगा, फिर इसको इमेजिन करूंगा, जीरो पोटेंशियल को इमेजिन करूंगा, बीच में मैं एक्स ले लूंगा, देन आई प्लॉट द डायग्राम, ठीक है। सो या प्लॉट द डायग्राम, विल ड्रॉ द डायग्राम। सो अब देख लेते हैं इस केस में क्या हो रहा है। सो अगर आप यहां पे डायग्राम पे ध्यान दे रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, अभी एक्स ले लिया, द पॉइंट एक्स। तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। सो पहला जो पॉइंट हो गया, पहले पॉइंट को हमने ले लिया है वी, और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो जीरो हो गया, और बीच में है वो क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये वी पोटेंशियल हो गया,
ये जीरो पोटेंशियल हो गया, जो बीच में है वो क्या हो गया, एक्स पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, अब यहां से देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। तो कैपेसिटर का नाम लिखा है इन्होंने, C1 लिखा है, C2 लिखा है, C3 लिखा है, तो हम नाम के हिसाब से चले जाते हैं। तो C1 कैपेसिटेंस के पहले आफ्टर एंड बिफोर कौन सा पोटेंशियल है, तो ये V और X के बीच में कैपेसिटर C1 इज बिटवीन V एंड X, सो वेयर इज द V, दिस इज द V एंड वेयर इज द X, दिस इज X, सो ये इसके बीच में है पहला वाला कैपेसिटर, द फर्स्ट कैपेसिटर इज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर 1 हो गया, है ना, कैपेसिटर 1 वैल्यू कितनी कैपेसिटर 1 की, 3 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, C2 कैपेसिटर किसके बीच में, X और 0 के बीच में, तो C2 कैपेसिटर बिटवीन X एंड 0, तो C2 कैपेसिटर इज बिटवीन X एंड 0 के बीच में हमें मिल रहा है C2 कैपेसिटर, तो C2 कैपेसिटर वी गॉट एज, C2 कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो फैराड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो कैपेसिटर की वैल्यू। अभी थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड कौन सा हो गया, C3, C3 किसके बीच में, 0 एंड X के बीच में, तो 0 एंड X के बीच में, 0 एंड X के बीच में मतलब ना ये पैरेलल ही हो गया ना, तो इट्स मीन दैट आई विल हैव वन मोर ब्रांच ऐसा, ये इसके पैरेलल में मैं ले लेता हूं, 0 है ना यहां पे, तो ये इनके बीच में हो गया, ये हो गया आपका थर्ड कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू क्या हो गया, हमने ले लिया C3, और वैल्यू क्या है C3 का, C3 का वैल्यू है 4 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ये वाला कैपेसिटर C4, C4 किसके बीच में, वी एंड 0 के बीच में, तो वी एंड 0 ना, वी तो यहां पे 0 वहां पे, तो अब क्या होगा, ये कैपेसिटर होगा ऐसे, यहां V एंड 0 के बीच में हो गया हमारा लास्ट कैपेसिटर, सो C4 वी आर गेटिंग बिटवीन V एंड 0, ये हो गया आपका C4 कैपेसिटर, तो C4 इज नथिंग बट वैल्यू गिवन एज 2 माइक्रो फैराड, ठीक है। और ये जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये टर्मिनल A हो जाएगा, इसको और एक्सटेंड करके यहां पे टर्मिनल B हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो अब ये डायग्राम थोड़ा सिंपल लग रहा है ना, अब शायद हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देख सकते हो ना C2 एंड C3 आई पैरेलल, तो ये पैरेलल को सिंप्लीफाई करोगे, फिर इसके साथ में सीरीज में लोगे, फिर ओवरऑल क्या लेंगे हम लोग, पैरेलल लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो हम मेंशन करते हैं ना C2 एंड C3 का मेंशन करते हैं, तो C2 एंड C3 ये कैसे कनेक्टेड है, आर इन पैरेलल, अब ये दो पॉइंट पैरेलल में, पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, जो CP की वैल्यू आपको मिलेगी ना, CP पैरेलल का, तो क्या होगा, C2 एंड C3 को आप ऐड करो, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 का वैल्यू 2 माइक्रो फैराड है, C3 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो फैराड है, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइक्रो फैराड, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको जब आपने सिंप्लीफाई कर दिया ना, मान लो अगर इसका सिंप्लीफाई डायग्राम मैं अगर लेता हूं, सिंप्लीफाई डायग्राम मैंने अगर लिया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ये आपका है C1 कैपेसिटर है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिला ना C2 C3 को सिंप्लीफाई किया, वो क्या होगा, CP हो गया, है ना। और ये जो फाइनल में आपको मिला था C4 यहां पे, ये किस कंडीशन में आ गया आपका, ये हो गया C4 बराबर। अब अगर आपको ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है C1 एंड CP आर इन व्हाट सीरीज में, तो आप मेंशन करोगे C1 एंड CP आर इन सीरीज, तो C1 एंड CP अगर सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सीरीज का फॉर्मूला क्या है, CS इज इक्वल टू फर्स्ट कैपेसिटर वैल्यू इनटू सेकंड कैपेसिटर वैल्यू अपॉन सम ऑफ दोस टू कैपेसिटर। तो अब सॉरी, फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर, मतलब मैं थोड़ा सा इस टर्म में चला गया, तो फर्स्ट कैपेसिटर वहां C1 है, सेकंड कैपेसिटर क्या है, CP है, फर्स्ट कैपेसिटर C1 है, सेकंड कैपेसिटर क्या, CP है, तो वैल्यू देख लेते हैं हम, तो C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू 3 माइक्रो फैराड, CP का वैल्यू कितना है, 6 है, हमने यहां सिंप्लीफाई किया, अपॉन क्या हो गया, 3 + 6 इज इक्वल टू ये हो गया 18/9, आफ्टर कैंसिलेशन वी आर गेटिंग वैल्यू एज व्हाट, 2 माइक्रो फैराड। तो अब ये जो डायग्राम है इसको और अगर सिंप्लीफाई करोगे, तो ये C1 एंड CP ना सिंप्लीफाई होकर हमें क्या दिया है, इसने दिया है CS की वैल्यू। तो अब ये डायग्राम आपको ऐसे अपीयर होगा कि यहां पे जो कैपेसिटेंस है ये CS हो गया है, और यहां पे जो कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू क्या है, C4 है, बराबर। तो CS एंड C4 अभी किससे है, कैसे कनेक्टेड है, तो यहां पे ये है ना, एक्चुअली ये है हमारा पॉइंट A एंड B, है ना, वो स्टार्टिंग के लिए हमें ये 0 एंड B पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, बाद में हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप मेंशन कर सकते हो CS एंड C4 आर इन पैरेलल, ठीक है। अगर ये पैनल में है तो क्या कंडीशन होगा इनका, तो सिंपल सा ना, अब इसको हम CP- ले लेते हैं क्योंकि हमने CP ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। तो CP- की वैल्यू क्या हो जाएगी, CS + C4, तो CS का वैल्यू कितना है, CS का वैल्यू में मिला है 2 माइक्रो फैराड, C4 का वैल्यू कितना है, C4 का वैल्यू भी 2 माइक्रो फैराड, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन सेम क्राइटेरिया, जो एंड ए पे होगा ना, इसको आपने वी पोटेंशियल दे दिया, ठीक है।
सो अब ये जंक्शन मिल रहा है आपको, यहां पे जंक्शन मिल रहा है, यहां पे जंक्शन मिल रहा है, यहां जंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो ना, ये राइट साइड में तो ये वाले ब्रांच से नहीं जाएगा क्योंकि यहां कैपेसिटी है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये वी नहीं रहेगा। अब ये ऊपर वाले ब्रांच में वी नहीं रहेगा, तो फिर आप आगे बढ़ेगा कोई मतलब ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे आ जाते हैं इस पॉइंट पे। आपने बी पे कौन सा पोटेंशियल दिया, जीरो पोटेंशियल दिया, तो ये वायर है, तो ये पॉइंट पे क्या होगा, जीरो पोटेंशियल होगा। अब इस कैपेसिटर से जाके कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ रहेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ रहेगा, तो लेना ही नहीं है। अब क्या करते हैं, हमारे पास दो जंक्शन है, तो जैसा मैंने बताया ना, अगर दो पॉइंट आपने लिया है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको इमेजिन करना है। तो अब ये पॉइंट आपने ले लिया है एक्स, बट हम क्या देखते हैं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कनेक्टेड है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, थ्री पॉइंट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का और भी पैटर्न है, एक व्हीटस्टोन नेटवर्क करके है, अभी हम उसमें फोकस नहीं करें, बट कभी अगर कहीं पे आपको सोल्यूशन में वैसा दिखे तो आप समझ लेना कि दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन सेम थिंग। इसमें इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी है। तो अब हमने क्या ले लिया, यहां पे जो पॉइंट है हमने वी पॉइंट ले लिया, ठीक है, फिर ये जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट ले लिया, और बीच में कौन सा पॉइंट ले लिया हमने, एक्स पोटेंशियल वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है उसका, कि कैपेसिटर वन अगर मैं देखता हूं, कैपेसिटर वन इज बिटवीन वी एंड एक्स, वी एंड एक्स के बीच में है कैपेसिटर वन, तो कैपेसिटर वन हमारा होगा ये कैपेसिटर सी वन हो गया, ये वी एंड एक्स के बीच में। फिर दूसरा पॉइंट क्या, सी टू किसके बीच में, सी टू इज ऑल्सो बिटवीन वी एंड एक्स, तो वो भी अगर वी एंड एक्स के बीच में होगा तो मतलब ये कैसे कनेक्टेड हो गया, पैरेलली कनेक्टेड ना, दे आर कनेक्टेड पैरेलली, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, सी थ्री देखते हैं, सी थ्री किसके बीच में, बिटवीन जीरो एंड एक्स, तो जीरो एंड एक्स के बीच में सी थ्री है, आपने यहां कैपेसिटेंस सी थ्री ले लिया, दिस इज कैपेसिटेंस सी थ्री, ठीक है, बिटवीन जीरो एंड एक्स। सी फोर इज ऑल्सो बिटवीन जीरो एंड एक्स, तो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर यहां पर ड्रॉ किया क्योंकि पैरेलल हो जाएगा इसके, बराबर, ये हो गया सी फोर, ये सी वन था, ये सी टू। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मान लो इसको एक्सटेंड किया है तो इस एंड पे ए मिला है और इस एंड पे हमें क्या मिला है, बी मिला है, तो बिटवीन ए एंड बी, तो विल यू आर सिंपलीफाइंग, यू कैन सी सी वन एंड सी टू आर इन पैरेलल, सी थ्री एंड सी फोर आर ऑल्सो इन पैरेलल। तो अब आप लिखोगे इसको कि सी वन एंड सी टू आर इन पैरेलल, तो ये पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, सीपी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, सी वन का वैल्यू क्या है, सी वन का वैल्यू सी है, सी टू का वैल्यू भी सी है, फाइनल आंसर क्या होगा, टू सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी प्लस सी टू सी। अब क्या होता है, आपको एक और पॉइंट समझ में आ रही है कि जो सी फोर एंड सी थ्री है वो भी पैरेलल में है, सी थ्री एंड सी फोर आर ऑल्सो इन पैरेलल, ठीक है, अब ये पैरेलल का नोटेशन ले लिया मैंने। तो अब जो सी पी, तो अब यहां पे इसको सीपी वन ले लो, तो ये हो गया पैरेलल वन ब्रांच वाला, ये पैरेलल टू हो गया, करेक्ट, पैरेलल टू का वैल्यू भी क्या होगा, सी थ्री प्लस सी फोर, तो मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूं उसको, सी प्लस सी इज इक्वल क्या होगा, टू सी हो गया। आप सिमिलरली भी लिख सकते थे, सिमिलरली इसकी वैल्यू टू सी हो जाएगी। तो अब आप देख लो सीपी वन एंड सीपी टू, ये अगर इसको सिंप्लीफाई किया आपने डायग्राम को, तो ये क्या हो जाता है, यहां पे पॉइंट ए था तो ये क्या हो जाता है, ये सीपी वन होता ना, ये होता आपका सीपी वन, ये वैल्यू मिला हमें सीपी वन करके, और यहां पे जो दूसरा कैपेसिटेंस मिलता वो क्या मिलता, सीपी टू मिलता। तो ये दोनों पॉइंट कैसे, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप मेंशन करोगे ना सीपी वन एंड सीपी टू आर इन, ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, आर इन सीरीज। तो सीरीज का क्राइटेरिया सिंपल है ना, सीरीज का जो है इक्वल कैपेसिटेंस, अगर दो कैपेसिटेंस है तो फर्स्ट कैपेसिटेंस इंटू सेकेंड कैपेसिटेंस अपॉन फर्स्ट कैपेसिटेंस वैल्यू इंटू प्लस सेकेंड कैपेसिटेंस वैल्यू, टेक्निक आपने पहले ही देखा होगा। तो सीपी वन की वैल्यू क्या है, टू सी है, सीपी टू की वैल्यू क्या है, टू सी है, अपॉन क्या हो जाएगा, टू सी प्लस टू सी, ये क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर पार्ट फोर सी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा, फोर सी हो जाएगा, फोर फोर कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगा सी, कैपिटल सी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस सर्किट। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, सो वेन विल सी क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन थोड़ा सा सिमिलर है, बट थोड़ा चेंज इसमें क्या है कि यहां पे जंक्शन बन रहा है, बट इस केस में ना जंक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम देख के आपको ना बहुत टेंशन सा फील हो सकता है कि ना ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इट्स वेरी सिंपल। कंडीशन क्या है, वही सेम क्राइटेरिया में फॉलो करना है, जहां पे ए पॉइंट इसको आपने वी पोटेंशियल पे ले लिया, इसको जीरो पोटेंशियल पे। तो अभी ये वायर है, तो ये यहां पे जंक्शन होगा, ये जंक्शन है, यहां पे जंक्शन है, यहां पे जंक्शन है, यहां पे जंक्शन है, यहां पे जंक्शन, तो हमें जंक्शन की पोटेंशियल पता होनी चाहिए। तो ये जंक्शन तक हम जब आ रहे हैं तो ये वायर है, तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल वी होगा इस जंक्शन पे।
अब आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, ये वायर है जस्ट, इट जस्ट अ वायर, इस जंक्शन पे पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा, ये भी जस्ट वायर है तो इस जंक्शन पे पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा। अब क्या होगा अगर आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे पैसे का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो कोई नया पोटेंशियल मिलेगा, वी तो होगा नहीं। अब हम जीरो वाले पे देख लेते हैं, तो ये जंक्शन का हमें चाहिए पोटेंशियल, तो ये क्या वायर है, तो ये तो जीरो ही रहेगा। अब अगर ऊपर जा रहे हैं तो इट्स अ वायर, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, ये भी वायर है तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, गॉट इट। फिर क्या कैपेसिटर के अंदर से पास होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अब हमें दिख रहा है वी एंड जीरो में बाकी जंक्शन कवर होगा, ये जंक्शन का पता नहीं चल रहा है, तो इसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। हाँ कंडीशन सिंपल सा है। सो अब क्या करना है, अगर तीन पॉइंट्स है तो तीन पॉइंट्स का हमने क्या लिया है, जो फर्स्ट पॉइंट बी हो गया यहाँ पे आ जाएगा, जो सेकंड पॉइंट जो जीरो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स पॉइंट आपने क्या ले लिया, इन बिटवीन ले लिया। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सिंप्लीफिकेशन बहुत इसका सिंपल सा है कि अगर आप ना कैपेसिटर्स की बात अगर करते हो तो पहले हमने क्रॉस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते, दैट्स बेटर। तो क्रॉस में जैसे ये सी टू है, सी टू कहां पे, वी और एक्स के बीच में, बट आपको एक और चीज दिखेगा, वी सी थ्री भी ना वी और एक्स के बीच में, तो ये क्या होगा, हमें दो कैपेसिटर्स मिले पैरेलल में जो ना वी और एक्स के बीच में, बराबर। तो ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये दो कैपेसिटर्स है जो हमें मिल रहा है वी और एक्स के बीच में, तो ये वी एक इसका टर्मिनल होगा, दूसरा टर्मिनल क्या होगा, एक्स वाला टर्मिनल होगा। ये कौन सा कैपेसिटर हो गया, ये हो गया कैपेसिटर सी टू एंड सी थ्री, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देखो सी फोर एंड सी फाइव, क्रॉस वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऐसे केस में। तो सी फोर एंड सी फाइव आप देख रहे हो, तो ये जीरो और एक्स के बीच में, जीरो एक्स के बीच में, दोनों है जीरो और एक्स के बीच में। तो अब यहां पे भी क्या मिला, आपको दो पैरेलल मिला, ठीक है, दीज टू कैपेसिटर्स पैरेलल। जब आप इसको देख रहे हो तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे किसके बीच में, जीरो और एक्स के बीच में, ठीक है। अब ये कौन सा कैपेसिटर था, ये था कैपेसिटर सी फोर एंड दिस इज व्हाट कैपेसिटर सी फाइव। अब हम आ जाते हैं अपर वाले पार्ट्स को, एक्स के अलावा जो है, तो ये वी और जीरो के बीच में, और ये क्या, ये भी वी और जीरो के बीच में, तो ए को ऊपर ले लो, को डाउन ले लो, वी और जीरो के बीच में ना, तो ये वी है ना बराबर, यहां पे ये वी आपने पोटेंशियल ले लिया, ये क्या है जीरो पोटेंशियल, बराबर। तो ये जो अपर साइड में यहां पे कैपेसिटर आपने अटैच किया था, इसको आप क्या है, अपर वाले का क्या नाम है, सी वन है, ये सी वन कैपेसिटेंस होगा। सिमिलरली आपको बिलो में मिल गया, ठीक है, जीरो और ये किसके बीच में, बी के बीच में, तो ये कौन सा कैपेसिटर होगा, ये हो गया सिक्स, सी सिक्स। अब ना ये जो पॉइंट वी पे था, यहां पे ये टर्मिनल ए था, ये जो टर्मिनल बी था, ठीक है। सो अब हम फाइंड करेंगे, तो क्या करना है, पहले ये दो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में है, फिर आपस में सीरीज में होंगे, फिर ओवरऑल क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम मेंशन करते हैं ना सी टू एंड सी थ्री आर इन पैरेलल, तो सी टू एंड सी थ्री आर इन पैरेलल, ये पैरेलल तो क्या कॉन्सेप्ट है, तो दो पैरेलल में तो हमको उसको सीपी वन ले लेते हैं, इस बार सीपी वन, ये क्या होगा सी टू प्लस सी थ्री, एज आई सेड दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा, टीज कैपेसिटेंस सी, ये क्या होगा टू सी हो गया। सो आप लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब मैंने ये दो ब्रांच पैनल में है ना, तो मैंने क्या ले लिया सीपी टू ले लिया, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, इन दिस केस आई एम राइटिंग डायरेक्टली। तो ये जो सीपी टू का वैल्यू हो गया सी फोर प्लस सी फाइव, तो क्या होगा सी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ये टू सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैरेलल है ना। सो अब क्या हो गया कि ये जो आपको वैल्यू, तो डायग्राम कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। तो डायग्राम में क्या हो गया, ये जो सी वन है आपको यहां पर मिलेगा, बराबर, ये जो सीपी वन और सीपी टू मिला ना यहां पर, ये हो गया आपका सीपी वन, बराबर, दिस वैल्यू इज व्हाट सीपी वन, एंड नेक्स्ट में आपको क्या मिला सीपी टू मिला, बराबर। अब इनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया इस पैटर्न में, फिर इसके नीचे भी एक कैपेसिटर है, वो कौन सा कैपेसिटर है, वो सी सिक्स है, ये सी सिक्स। तो अब सीपी वन सीपी टू को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, ये ए और ये बी है, सीपी वन सीपी टू को अगर सिंप्लीफाई करो, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप मेंशन करोगे यहां पे सीपी वन एंड सीपी टू आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, तो सी एस का वैल्यू में लेना पड़ेगा, सी एस है ना, फर्स्ट टाइम सीरीज ले रहे, तो ये क्या होगा सीपी वन, फर्स्ट टाइम इस डायग्राम में फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट कैपेसिटेंस इंटू सेकेंड कैपेसिटेंस अपॉन फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस सेकेंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, टू सी एंड टू सी, ये वाला सोल्यूशन ने थोड़ी देर पहले ही किया था ऐसा, टू सी प्लस टू सी, ये क्या हो जाएगा फोर सी स्क्वायर हो गया, और एक नॉर्मल क्या होगा फोर सी होगा, कैंसिलेशन का वैल्यू क्या बचेगा सी बचेगा। तो अब क्या हो गया यहां पे, ये डायग्राम को अगर सिंप्लीफाई करो, जैसे मैं डायग्राम को सिंप्लीफाई कर रहा हूं हर टाइम पे, तो ऐसा कंपल्सरी आपको हरदम डायग्राम को सिंप्लीफाई करते ही रहना है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप डायग्राम को सिंप्लीफाई कर करके अगर आपको ऑप्टेन करना है तो यू कैन डू, अदरवाइज देयर इज नो नीड, ठीक है। मैं यहां पे डायग्राम सिंप्लीफाई करके बता दे रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि डायग्राम पे क्या इंपैक्ट हो रहा है ये ए और बी पॉइंट के बीच में।
तो अभी आप देख सकते हो ये जो तीन कैपेसिटर्स है आपके C1, CS एंड C6, अभी ये कैसे कनेक्टेड है, दे आर इन सीरीज ना, सॉरी पैरेलल, मैं सीरीज बोल रहा हूं। तो अब आप यहां मेंशन कर सकते हो, क्या मेंशन करोगे, C1, CS एंड C6 आर इन सीरीज, मैं बार बार सीरीज बोल रहा हूं, सॉरी आर इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल का क्या कनेक्टेड होगा, CP डैश ले लिया मैंने, या CP ले लो क्योंकि CP1 CP2 करके लिया था आपने वहां पे, तो जो फाइनल CP होगा पैरेलल क्या होगा, C1 प्लस CS प्लस C6। C1 का वैल्यू कितना मिला हमें, C1 का वैल्यू वो क्वेश्चन के हिसाब से C होगा, CS का वैल्यू सिंप्लीफाई करके हमको C मिला है, C6 का वैल्यू क्या C, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको 6 के जैसा दिख रहा है बट ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो अब क्या होगा, यहां पे जो पॉइंट ए है यहां पे आपने पोटेंशियल बी ले लिया, पॉइंट बी पे आपने पोटेंशियल 0 ले लिया। तो अगर मैं वायर के साथ जाऊं तो ये जंक्शन कहां कहां पे मिल रहा है, ये जंक्शन है ना, पहले आप जंक्शन को लोकेट करो क्योंकि आपको पता है ना जंक्शन पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो आप ना यहां से वी से यहां तक आके आते हो तो ये जंक्शन पे आते हो तो इट्स जस्ट वायर, तो ये जंक्शन पे वैल्यू क्या होगा, वी हो गया। फिर आप ऊपर जाते हो ये भी जस्ट वायर है तो इस जंक्शन पे वैल्यू वी होगा, ये भी जस्ट वायर है तो यहां पे भी जंक्शन, इस जंक्शन पे भी वी होगा, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखो ये 0 से आप यहां पे आते हो तो ये 0 होगा क्योंकि ये जस्ट वायर है, यहां पे भी वायर ही है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, ये 0 यहां पे भी क्या होगा, ये 0 हो गया। तो अब आपको जितने जंक्शन है सारी वैल्यू मिल गई, तो आप क्या करते हैं डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो हमें ना सिर्फ दो ही पॉइंट मिला, कौन सा मिला है, वी और 0 मिला है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, वी हो गया, जो सेकंड पॉइंट होगा क्या होगा, 0 हो गया। तो जैसा मैंने बताया कि हम जब भी सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा इसमें ना जो है आप वो जो ए एंड बी वाला पॉइंट है ना आपको एक्सटेंड करके कर सकते हो कि यहाँ पे ये ए पॉइंट के लिए होगा, यहाँ पे ये बी पॉइंट, वो आपकी अपनी चॉइस है क्योंकि आपको फाइनल कैपेसिटेंस निकालना, आप ये लिमिट दिखाओगे तो भी चलेगा। सो अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे देखो पहला जो मैं क्रॉस वाले को देख लेता हूं, तो ये वी है और ये अदर एंड पे क्या है, 0 है, तो ये 2C + 2C दोनों क्या है सीरीज में, यहां से ए कैपेसिटर गया, दिस इज द सेकेंड कैपेसिटर और ये यहां पे वैल्यू मिला, फर्स्ट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है 2C है, सेकंड कैपेसिटी की वैल्यू भी 2C है, डन। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, ये 2C और ये 2C, ये भी किसके बीच में, वी, और इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूटी है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू दिस वन। सो ये दोनों भी क्या है सीरीज में, तो ये कैपेसिटी क्या होगा 2C एंड 2C, ठीक है। तो ये भी कहां होगा पॉइंट, ये V और 0 के बीच में कनेक्ट होगा, ये 2C होगा, ये भी क्या होगा 2C। अब हम देख लेते हैं ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट में क्या हो गया, ये क्या है V और 0 के बीच में कैपिटल सी है, V और 0 के बीच में कैपिटल सी है, तो ये जो कैपेसिटेंस होगा है ना, ये इसके बीच में हो गया, ये भी V और 0 पॉइंट पे ही है, ये कैपिटल सी हो गया। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, ये कैपिटल सी, ये भी वी और 0 के बीच में, तो ये कैपेसिटर को भी हमने ऐसे ले लिया, बराबर। सो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सो नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस डायग्राम्स। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या कंडीशन होता है कि आपको क्या करना है, पहले देखो कि सबसे पहले किसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2C और 2C को सॉल्व करो, यहां पे 2C 2C, तो आप बताओगे 2C एंड 2C ये कैसे है, आर इन सीरीज। तो देखो अब इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने 2C 2C को बहुत बार सॉल्व किया सीरीज में। तो जो CS1 होगा ये CS1 देगा आपको, CS1 का वैल्यू क्या होगा, ये जो फर्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू है देन सेकंड कैपेसिटेंस की वैल्यू अपॉन सम ऑफ देम 2C + 2C, ये फाइनल सिंप्लीफाई करके आपको C मिलेगा, हमने काफी बार सॉल्व कर चुके हैं ये पर्टिकुलर का। सिमिलरली आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, सिमिलरली विल गेट वैल्यू फॉर CS2 सेकेंड सीरीज वाली वैल्यू, वो भी क्या हो जाएगा C हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। एग्जाम में आप एक्सटेंड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का आ रहा है। सो अगर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो अब ये पूरे पार्ट को फिर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो पहला कैपेसिटेंस होगा कैपिटल सी हो गया, जो दो दूसरा जो मुझे सीएस की वैल्यू मिले ना CS1 मिला है, CS1 का वैल्यू भी सी है, जो CS2 मिला है उसका वैल्यू भी सी है, और जो लास्ट में था वो सी तो था ही ऑलरेडी ना, ये वैल्यू तो सी था ही, ठीक है। अब क्या होगा इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पैरेलल। सो ऑल 4 आर इन पैरेलल, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रिजल्टेंट होगा CP का वैल्यू, ये फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड कैपेसिटेंस, थर्ड कैपेसिटेंस, फोर्थ कैपेसिटेंस,
तो CP का वैल्यू हो जाएगा 4C. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ईच कैपेसिटेंस अगेन कैपिटल सी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. 8 एंड 9 डायग्राम ना ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है. देखो ये पर्टिकुलर पार्ट यहां तक जो है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट तक सेम है दोनों डायग्राम में, सिर्फ यहां पे ये लोअर जो है ना वायर कनेक्शन, ये इसमें एक्स्ट्रा है सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में वो पर्टिकुलर पार्ट नहीं है. उतना चेंज होने से भी आंसर में कितना फर्क पड़ता है वो देखते हैं हम. सो अब कनेक्शन वही होगा, मैं पोटेंशियल असाइन करना है. ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने वी ले लिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने क्या ले लिया है, जीरो ले लिया है. ठीक है, तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट चीजें तो वैसे ही होगी. ये यहां पे ये पॉइंट पे ये जंक्शन हो गया, एक यहां जंक्शन होगा, एक यहां जंक्शन होगा, यहां जंक्शन है, यहां जंक्शन है. ठीक है, यहां जंक्शन है. सिमिलरली अगर सेकंड वाले पॉइंट पे ले रहे हो तो यहां पे जंक्शन है, यहां पे जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, और फिर ये जंक्शन है. मैं ये बाकी दो जंक्शन को भी फोकस दे रहा हूं मैं, क्योंकि क्या है ना, एक ही साथ में दोनों की वैल्यू मैं असाइन कर दूंगा. तो यहां पे वी है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट पे यहां पे क्या होगा, ये वायर है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे वी होगा. ठीक है, तो यहां पे सेम हो गया, ये वी लिया है ना, तो अपने वी हो गया. अब यहां पे ये वी है, ये इससे जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो बेहतर है मैसेज आ रहे हैं. ये वायर है, यहां पे आके ये कौन सा पोटेंशियल देगा, वी पोटेंशियल देगा, सेम क्राइटेरिया. सो आपको यहां पे मिला पोटेंशियल वी. अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं कि, और दूसरा कोई ऑप्शन दिख रहा है, आप हमने जीरो से देख लेते हैं. जीरो से अगर आप आओगे तो कोई चांस ही नहीं है यहां पे. इस केस में थोड़ा है ना, एक देखो यहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं एंड में बताता हूं, क्योंकि वहां पे जीरो से हमने लिया तो कोई कंडीशन है, तो यहां पे है कंडीशन, वो हम एंड में देख लेते हैं. अब अगर मान लो कि ये एंड पे जीरो है और उसके बाद हमें कोई कंडीशन मिल जाएगा ना जीरो और वी के अलावा, तो अब क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, एक जंक्शन को हम एक्स ले लेते हैं. तो इस जंक्शन को अगर आप एक्स लोगे तो अब आप ना एक चीज देख सकते हो, यहां पर एक ब्यूटीफुल रिलेशन क्या है कि ये ना एक्स ऐसे चला गया यहां पर, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये एक्स होगा. देन यू गो अहेड, ये ऐसे भी जाके वही वायर है, तो यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप एक्स हो गया बराबर. तो सेम कंडीशन इस केस में भी होगा, यहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप एक्स लोगे, ये जंक्शन पे भी एक्स मिलेगा, और ये यहां पे भी आके क्या होगा, एक्स हो गया. एक छोटा सा जो चेंज है सेकंड वाले डायग्राम में क्या है, वो चेंज क्या है, ये ना जीरो से यहां तक आएगा ये वायर, तो यहां पे जीरो पोटेंशियल होगा, और ये आगे बढ़ के ये वायर ही है ना, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, जीरो पोटेंशियल. दोनों में डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस होगा. तो मैं पहले ना 8 वाले के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, फिर 9 वाले का भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे आराम से. सो पहले वाले पॉइंट का वी एक्स और जीरो आपको लेना है, वी एक्स एंड जीरो यू नीड टू टेक. तो ये वैल्यू आपने ले लिया वी, ठीक है. अगर आपको लेना है तो यहां पे आप एंड ए ले लो, कोई इशू नहीं है. फिर दूसरा जो पॉइंट हमने लिया वो एक्स ले लिया है, जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो क्या होगा हमारा, जीरो पोटेंशियल, ठीक है. और ये क्या होगा, वी पॉइंट के लिए, वी एंड के लिए, ठीक है. अब अगर हम आगे बढ़ते तो क्या कंडीशन है, ध्यान दो, ध्यान से देखना. जो सी वन है ये किसके बीच में, वी और एक्स के बीच में. जो सी टू है वो भी क्या है, वी और एक्स के बीच में. सी थ्री भी वी और एक्स के बीच में. तो सी वन सी टू सी थ्री ऑल थ्री आर इन बिटवीन वी एंड एक्स. तो ये क्या होगा, ये एक कैपेसिटर होगा, फिर दूसरा कैपेसिटर, और फिर तीसरा कैपेसिटर. तीनों कैपेसिटर क्या होंगे, पैरेलल होंगे बराबर, क्योंकि वी और एक्स के बीच में. तो किसकी क्या क्या वैल्यूज होगी वो हम देख लेते हैं थोड़ी देर में. ये कंडीशन आपने लिया, ये क्राइटेरिया मिल गया आपको, बात समझ में आई. सो ये कैपेसिटर्स कौन कौन से लिए थे हमने, ये कैपेसिटर सी वन था, ये कैपेसिटर सी टू था, ये कौन सा कैपेसिटर था, सी थ्री था, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में क्या होगा कि सी फोर सी फाइव को देख रहा हूं मैं, सी फोर एंड सी फाइव. सी फोर के पहले एक्स है और ये क्या है, ये भी एक्स है, और बिटवीन द सी फोर और सी फाइव कैसा है, ये सीरीज में है. तो मैं ये पॉइंट पे बाद में आता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है. पहले हम लास्ट वाले को देख लेते हैं, सी सिक्स. ये क्या एक्स और जीरो के बीच में, तो हमने एक्स और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर और देना है, जिसका नाम क्या हो गया, सी सिक्स हो गया. ये हो गया सी सिक्स. अब हम आ जाते हैं सी फोर सी फाइव पे. तो सी फोर एंड सी फाइव पे अगर आप देख लो, सी फोर एंड सी फाइव, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि ये एक्स और एक्स के बीच में है. तो मैंने क्या किया, यहां पे ना सी फोर कैपेसिटेंस ले लिया, ठीक है, और उसके हिसाब में सी फाइव ले लिया. मतलब ये कैसे हो गया, ये सीरीज में हो गया ना, ये सी फाइव हो गया सी फोर. सीरीज कैसे डिसाइड किया हमने, क्योंकि ना ये करंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि कहां से जा रहा है, एक्स पॉइंट से जा रहा है, और वापस से कहां पे आ रहा है, एक्स पॉइंट पे आ रहे हैं. तो एक ही पॉइंट से कोई वायर जा रहा है, उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है, तो वो हो गया शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. मतलब उसका सर्किट में होना ना होना कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप सर्किट में कंसिडरेट मत करो. तो उसको हमें सर्किट में लेना ही नहीं है, सी फोर सी फाइव को हमें सर्किट में नहीं लेना. तो यू कैन सी सी वन सी टू सी थ्री आर इन वॉट, पैरेलल. तो अब यहां मेंशन करोगे कि सी वन सी टू एंड सी थ्री आर इन पैरेलल. तो अगर ये पैरेलल में हो गया तो क्या हो गया, तो क्राइटेरिया सिंपल सा है, सीपी का फॉर्मूला,
कैपेसिटेंस सी वन प्लस कैपेसिटेंस सी टू प्लस कैपेसिटेंस सी थ्री। जैसा हमने पहले ये देखा है कि वैल्यूज इनके क्या है, सेम है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा थ्री सी। ये किसकी वैल्यू होगी, सीपी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अपना सीपी के साथ में क्या होगा, सी सिक्स क्या होगा, सीरीज में होगा, बराबर। तो अब डायग्राम यही होगा ना, ये पर्टिकुलर पार्ट ये सीपी हो जाएगा, उसके आगे कौन सा कैपेसिटेंस सी सिक्स हो गया, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। तो आप मेंशन करोगे सीपी एंड सी सिक्स आर इन सीरीज। तो सीरीज का हमने जो टेक्निक बनाया, सीरीज का क्या टेक्निक बनाया, सी एस इज इक्वल टू फर्स्ट कैपेसिटेंस, टेक्निक मतलब वो रूल ही है सी सिक्स, और फिर इनका क्या है सब लेना आपको। तो सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी की वैल्यू है थ्री सी, सी सिक्स की वैल्यू क्या है, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, तो ये सी हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये थ्री सी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा थ्री सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया फोर सी, सी सी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या होगा इक्वेलेंट कैपेसिटेंस थ्री सी अपॉन फोर हो गया। ये हो गया एट क्वेश्चन का। अब हमारे आते हैं नाइन क्वेश्चन में, तो ये पर्टिकुलर पार्ट को मैं अप कर देता हूं। देखो अब ना जो है आपको डायग्राम मिलेगा ना सी वन सी टू वैसे ही मिलेगा, देखो सी वन वी और एक्स के बीच में, सी टू वी और एक्स के बीच में, सी थ्री भी वी और एक्स के बीच में। अब हम आ जाते हैं सी फोर पे, सी फोर किसके बीच में, जीरो एक्स के बीच में, सी फाइव जीरो एक्स के बीच में, सी सिक्स भी जीरो एक्स के बीच में। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस केस में क्या होगा, जो नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर पार्ट को हमें अभी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, ये जो सी फोर सी फाइव है वो सब क्या हो गया पैरेलल में आ गए, बराबर। तो ये आपने लिया हुआ है कंडीशन यहां पे, सो ये ऐसे आप अटैच कर दो, बराबर। सो आर इन पैरेलल, ये क्या हो गया, ये सी फोर हो गया, ये क्या होगा सी फाइव हो गया, ये क्या होगा सी सिक्स हो गया, है ना, डायरेक्टली वही पैटर्न हो गया ना। तो आप देखो क्या सिमिलरली, अच्छा सिमिलरली के पहले एक और, ये पहला पैरेलल वाला है तो इसको सीपी वन ले लो, ठीक है। जो दूसरा पैरेलल है उसको मैंने सीपी टू ले लिया, उसका वैल्यू भी क्या आएगा थ्री सी आएगा, क्योंकि सिमिलर पैटर्न। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहां पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट देख लो, ये सीपी वन की वैल्यू है, दिस व्हाट सीपी वन एंड दिस व्हाट सीपी टू, दिस टू आर इन सीरीज। तो सीरीज का क्या कंडीशन होगा, सी एस इज इक्वल टू फर्स्ट कैपेसिटेंस इंटू सेकेंड कैपेसिटेंस अपॉन फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस सेकेंड कैपेसिटेंस। अब वैल्यूज क्या है इसका, थ्री सी इंटू थ्री सी अपॉन थ्री सी प्लस थ्री सी, ये न्यूमरेटर में क्या होगा नाइन सी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या होगा सिक्स सी हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, सो थ्री टू जा एंड थ्री थ्री जा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू सी हो गया, तो एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगा 1.5 सी। तो ये आपको इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई। अब हम पहुंच गए इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज और नेटवर्क। वैसे ये जो टॉपिक है ना, इसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट यहां पे उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है हमें, इसलिए थोड़ा सा हम रफली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन नेटवर्क को हम यहां पे कैसे यूज करेंगे। तो जैसे अब तक हमने डिस्कस किया था कि टू पॉइंट्स एंड थ्री पॉइंट्स वाला, ठीक है। सो ये टू पॉइंट्स मतलब वी और जीरो पोटेंशियल, है ना, वी और जीरो पोटेंशियल, और थ्री पॉइंट्स में क्या था, हमने वी लिया था, यहां पे जीरो पोटेंशियल लिया था, और एक्स को हम क्या इन बिटवीन लेते थे। बट व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी आप लेते हो तो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप क्या करोगे, वी पोजिशन को आपने यहां लिया है, जीरो पोजिशन को आप यहां लोगे, एक्स को आप ऊपर ले लो, वाई को आप यहां कैसे ले लो, सो दैट मीन कि अगर आप कभी नेटवर्क फॉर्म होगा तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल टाइप में आपको दिखे। सो ये पैटर्न, ऐसा पैटर्न मिले आपको। कभी कभी क्या होता है फोर पॉइंट्स में आपको ना ऐसा पैटर्न नहीं भी मिल सकता है, कोई इशू नहीं है, फिर भी आप डायग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसको सॉल्व कर पाओगे, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा उस केस में भी। तो हम ना सेफर साइड के लिए ऐसे यूज करते हैं, क्योंकि जब आप व्हीटस्टोन नेटवर्क स्टडी करोगे तो मोस्टली आपको ऐसे पैटर्न में ज्यादा ईजी होता है। इसके और भी फॉर्मेट होते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके हम उसको दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट राइट नाउ दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो हम ना इस फॉर्मेट में ही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बस आप इतना समझ लो, फोर पॉइंट होगा तो V पोटेंशियल यहां पे, जीरो पोटेंशियल यहां पे, X एंड Y, मतलब जो तीसरा, जो सेकेंड अननोन पॉइंट होगा, थर्ड अननोन पॉइंट होगा X होगा, जो फोर्थ अननोन पॉइंट होगा वो Y होगा, मतलब आपको दो अननोन पोटेंशियल आपको यहां पे अज्यूम करना होगा। तो अब अगर हम यहां पे कंसिडर करें तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क से होता क्या है, बेसिकली व्हीटस्टोन नेटवर्क का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि आप ना ये जो दो ऊपर के जो कैपेसिटेंसेस है ये इनका रेशियो ले लो। तो मान लो कि मैंने रेशियो लिया है C1 अपॉन C3 का रेशियो ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो बिलो है ना, ये जो ये दो लेफ्ट और राइट वाले, उनका रेशियो ले लो C2 एंड C4,
ठीक है, जब अगर इनका रेशियो इक्वल हो गया तो आप क्या बोलते हो, नेटवर्क इज बैलेंस्ड, नेटवर्क इज बैलेंस्ड। ठीक है, करंट यहां पे डिवाइड होगा, यहां पे इस ब्रांच से करंट डिवाइड होगा या जो चार्ज होगा इस ब्रांच से फ्लो होगा, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी चार्ज कैन फ्लो थ्रू दिस। बट अगर नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा तो इस ब्रांच पे यहां पे और यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब जो यहां पे एक्स पोटेंशियल होगा और जो वाई पोटेंशियल होगा, मतलब एक्स पोटेंशियल और वाई पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एंड देयर इज नो चार्ज। तो जब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें चार्ज नहीं होगा, इस ब्रांच में आप कुछ भी कनेक्ट करो उसका कोई मायने नहीं है। तो अब सर्किट में क्या होगा, सी फाइव नहीं के बराबर होगा, जिसकी वजह से सी वन एंड सी थ्री क्या होगा, अब अगर चार्ज फ्लो होगा तो ऐसे फ्लो के चला जाएगा या करंट फ्लो होगा तो ऐसे फ्लो के चला जाएगा। यहां पे देखो ये क्या होगा, करंट अगर यहां से फ्लो होता है तो ये दो ब्रांच में डिवाइड होगा, ये ब्रांच वन होगा, ब्रांच टू हो गया। अब इसमें से करंट जाएगा नहीं या चार्ज में से फ्लो नहीं होगा, तो ये ब्रांच वन यहां पे आके एंड हो रहा है ना, ब्रांच वन, ये ब्रांच टू यहां पे आके एंड हो रहा है, करेक्ट। ऐसे तो अब कंडीशन का बहुत सिंपल सा है कि ये दो ब्रांच कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएगा। तो सी वन सी थ्री क्या होगा, ये होगा सीरीज में, फाइन। और यहां पे सी टू सी फोर भी क्या होगा, सीरीज में होगा। और ये आपस में क्या होंगे, जो फाइनली जो मिलेगा आपको वैल्यू जो ओवरऑल होगा वो किसमें होगा, पैरेलल में होगा। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। मतलब अभी आप इतना समझ सकते हो कि जो आगे वाले क्वेश्चन है वो एक्सट्रो नेटवर्क वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट अब प्लॉट कैसे करना, डायग्राम देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकता है, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन का। तो यहां पर ये जो पॉइंट ए और बी हो गया, बराबर जैसा हमने डिसाइड किया, ये पॉइंट का पोटेंशियल आप वी ले लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप जीरो ले लो। तो अब वापस से कितने जंक्शन बन रहे हैं, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये फोर जंक्शन का पोटेंशियल पता चल जाएगा, ये लाइफ इजी हो जाएगी। तो ये यहां से यहां तक इस जंक्शन तक आ रहे हैं तो वायर है, तो इसका पोटेंशियल वी ही रहेगा। अब इधर जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इधर जाओगे इस पे भी कैपेसिटर है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कैपेसिटर तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप आगे जा नहीं सकते हो, जस्ट वायर है जहां तक वहां तक ही जाना है, उसको पोटेंशियल असाइन करना। यहां पर भी वायर है तो यहां पर जीरो हो जाएगा, उसके आगे इस ब्रांच में क्या होगा, कैपेसिटर तो नहीं ले सकते, इस ब्रांच में कैपेसिटर नहीं लेना। तो अब उसका कितने जंक्शन बाकी रह गए, दो जंक्शन बाकी रह गए। ठीक है, तो एक जंक्शन को मैंने एक्स अज्यूम कर लिया, जो दूसरा जंक्शन उसको मैंने क्या ले लिया, वाई अज्यूम कर लिया। अब उसके हिसाब से हम पॉइंट लेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अगर फोर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप क्या लेते हो, यहां पे वी पोटेंशियल ले लिया आपने, जीरो पोटेंशियल ले लिया आपने, फिर यहां पे क्या होगा, एक्स पोटेंशियल थोड़ा सा बिलो ले लेता हूं, दैट बेटर। तो ये क्या होगा, ये वी पोटेंशियल ले लिया आपने, और ये क्या होगा, ये जीरो पोटेंशियल ले लिया, फिर ये क्या होगा, एक्स एंड वाई पॉइंट ले लिया हमने, दिस इज व्हाट एक्स पॉइंट एंड दिस व्हाट वाई पॉइंट, क्लियर। सो अब क्या होता है इस केस में, अब हम उसके हिसाब से असाइन करते हैं। तो जो कैपेसिटर वन को देखो आप, कैपेसिटर वन किसके बीच में, वी और एक्स के बीच में, कैपेसिटर वन इज बिटवीन वी एंड एक्स, तो वी और एक्स के बीच में कैपेसिटर वन होगा, तो ये ब्रांच में होगा कैपेसिटर वन। ठीक है, दिस ब्रांच विल हैव कैपेसिटर वन, कैपेसिटर वन आपका इस ब्रांच में आ गया। जो सेकेंड पॉइंट क्या है, सी टू कैपेसिटर देखो किसके बीच में, वी और वाई के बीच में, तो वी और वाई के बीच में कैपेसिटेंस टू, तो यहां पे ये हो गया कैपेसिटेंस टू हो गया। फिर क्या हो गया, कैपेसिटेंस थ्री देखो, कैपेसिटेंस थ्री कहां है, जीरो और एक्स के बीच में, जीरो और एक्स के बीच में कैपेसिटेंस थ्री है, सो कैपेसिटेंस थ्री इज बिटवीन जीरो एंड एक्स, ये कैपेसिटेंस थ्री हो गया। कैपेसिटेंस फोर देखो, सी फोर, जीरो और वाई के बीच में, जीरो और वाई, तो जीरो पोटेंशियल और वाई पोटेंशियल के बीच में ही आएगा, बराबर, ये हो गया आपका सी फोर। और सी फाइव किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में, तो सी फाइव इज बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस सी फाइव। ठीक है, एज वी हैव टेकन ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, यहां पे ये ए और बी पॉइंट, ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी होगी। तो अब यहां पे अगर मैं नोटिस करता हूं तो मैं पहले रेशियो ना कैलकुलेट, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं देख लेता हूं सी वन और सी थ्री का रेशियो। तो ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, तो सी अपॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1। अब वैसे ही मैं ना दूसरे इसको भी सी टू और सी फोर को भी चेक कर लेता हूं, तो सी टू अपॉइंट सी फोर का वैल्यू होगा, सी टू का वैल्यू सी होगा, सी फोर का वैल्यू भी सी होगा, ये होगा 1:1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन नेटवर्क हो गया, व्हीटस्टोन नेटवर्क है तो इस कैपेसिटेंस का कोई मायने नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जो सी वन एंड सी थ्री होगा ये किसमें होगा, सीरीज में होगा। तो आप बताओगे सी वन एंड सी थ्री आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, सी वन सी थ्री सीरीज में, तो सीरीज में तो क्या हो गया, सी एस वन ना फर्स्ट सीरीज की वैल्यू सॉल्व करें, तो ये क्या होगा, फर्स्ट कैपेसिटेंस सेकेंड कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ दीज टू कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी हो गई, सेकेंड कैपेसिटेंस का वैल्यू भी सी हो गया,
तो क्या होगा सी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया इसको, ये सी टू सी हो गया बेसिकली। तो सिंपलीफाई किया, सी सी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वैल्यू होगा सी बाई टू हो गया। अब आप देख सकते हो जो C2 है C4 है ना, ये भी क्या है सीरीज में है, ये जो दो वैल्यूज है ये सीरीज में है बराबर, और ये दोनों वैल्यूज भी किसमें है सीरीज में है। तो अब आप देख सकते हो CS2 की वैल्यू सिमिलरली, मैंने लिखा है सिमिलरली, सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, सिमिलरली विल गेट वैल्यू फॉर CS2। CS2 कौन से कैपेसिटर से मिलेगा, C2 एंड C4 से मिलेगा, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। तो ये भी क्या हो जाएगा सी बाई टू हो जाएगा। अब ना ये जो, तो अब ये डायग्राम कैसा बनेगा, दिस डायग्राम विल बी लाइक ना, यहां पे मिला आपको सी एस वन मिला और यहां पे आपको मिलेगा सी एस टू मिलेगा बराबर, करेक्ट ना, ये ऐसा कंडीशन हो जाएगा फाइन। ये पॉइंट ए एंड बी, तो सी एस वन सी एस टू कैसे कनेक्टेड है, तो सी एस वन एंड सी एस टू आर इन पैरेलल, तो सी एस वन एंड सी एस टू आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का क्या क्राइटेरिया है बॉस, तो CP इज इक्वल टू सी एस वन प्लस सी एस टू, वैल्यू क्या होगा C बाई टू प्लस सी बाई टू, तो फाइनली CP का वैल्यू क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन जो हमने लिया क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं जब 11 सॉल्व कर रहा हूं तो 11 में ना काफी डायग्राम हमारा कॉमन ही होगा, तो इसके लिए मैं काफी चीजों को रब नहीं कर रहा हूं, मैं 11 क्वेश्चन के डायग्राम को पहले सिंप्लीफाई कर लेगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये जो वैल्यूज के नाम है ना इनको हम बदल देंगे, ठीक है। तो अब वापस से क्राइटेरिया वही होगा क्योंकि मैं जानता हूं वो सीरीज है, बट फिर भी थोड़ा सा ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हमारे लिए हमें कुछ पता नहीं है, थोड़ा तो एक्टिंग करनी ही पड़ेगी हमको। तो अब हम यहां पे आ जाते हैं, क्वेश्चन देखो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पहले हम पोटेंशियल असाइन कर लेते हैं, तो ये जो ए पॉइंट पर पोटेंशियल ये वी हो गया, जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल वो जीरो हो गया, ठीक है। So, अब कंडीशन क्या हो गया कि जंक्शन कितने वो देख लो आप, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जंक्शन है यहां पे। अब 6 जंक्शन का मतलब आपको टेंशन आ जाएगा ना, वी लिया है हमने फिर जीरो लिया फिर एक्स वाई लिया फिर दो और पॉइंट लेना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, पहले देखते हैं। तो ये अगर वी है तो यहां पे ये जस्ट वायर है, तो यहां पे क्या होगा पोटेंशियल वी होगा, करेक्ट कनेक्टर ना। तो अब आप डाउन जा रहे हो बिलो, तो बिलो जाओगे तो ये जंक्शन पे भी क्या होगा ये जंक्शन है ना, यहां पर भी क्या है ये पर्टिकुलर पार्ट पे भी वायर है, तो ये क्या होगा ये भी V होगा, बट ये यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप ये पॉइंट को ले लेते हो। अब यहां पे इस साइड में नहीं जा सकते हम V को लेके, करेंगे क्योंकि यहां पे कैपेसिटर है, इस ब्रांच में भी नहीं जा रहा कैपेसिटर है। अब जीरो को देख लो, यहां से यहां तक का पॉइंट क्या होगा ये जीरो पोटेंशियल का वायर है, अब ये ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल वेरिएशन है तो उसको नहीं लेना है। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ले रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या होगा ये जीरो है तो ये पॉइंट क्या होगा ये भी जीरो होगा, क्योंकि जस्ट वायर है ना, यहां पे भी क्या वायर है, तो ये कॉर्नर पे भी जीरो हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ना सारे जंक्शन पे मिल गए वैल्यूज, सिर्फ ये दो जंक्शन यहां पे वैल्यूज नहीं मिले, हम क्या करेंगे इन दो जंक्शन पे हम क्या करेंगे वैल्यूज को अज्यूम कर लेंगे, एक्स हो गया और ये जंक्शन की वैल्यू को क्या लिया आपने वाई ले लिया, यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल एक्स होगा, यहां पे पोटेंशियल वाई होगा, ऐसा हमने ले लिया। अब हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, डायग्राम में मैं देख रहा हूं ना कैपेसिटेंस वन को मैं फोकस करता हूं, कैपेसिटेंस वन, सी वन कहां पे, सी वन के पहले क्या होगा वी है और दूसरे साइड में क्या है वाई है, तो V और Y के बीच में होगा कैपेसिटेंस 1, तो यहां पे आपने ले लिया C1। अब हम कैपेसिटेंस 2 पे फोकस करते हैं, कैपेसिटेंस 2 किसके बीच में, कैपेसिटेंस 2 इज बिटवीन V एंड X, कैपेसिटेंस 2 इज बिटवीन V एंड X, V एंड X के बीच में कैपेसिटेंस 2 है, तो जैसे नॉर्मली ड्रॉ करेंगे तो हम वैसे ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है 1 एंड 2 हो गया। अब आप देखो कैपेसिटेंस 3, कैपेसिटेंस 3 कहां पे X और Y के बीच में, कैपेसिटेंस 3 इज बिटवीन X एंड Y, ठीक है। फिर इसका मैं ये एंड वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में आते हैं। ये पॉइंट पे क्या है C6 पे कितना है, ये y है और ये क्या है जीरो है ना, C6 बिटवीन y एंड जीरो के बीच में, तो ये y हो गया और ये जीरो हो गया, इसके बीच में C6 हो गया। फिर C5 जीरो और x के बीच में, तो जीरो x के बीच में क्या होगा C6 हो गया। अभी एक और बाकी रह गया, C1 हो गया, C2 C3 C5 अच्छा सॉरी ये C5 है, C4 बाकी रह गया, C4 किसके बीच में, C4 बिटवीन v एंड जीरो, v एंड जीरो के बीच में, तो v यहां पे है जीरो यहां पे है, तो आप ऐसे नहीं ले सकते, तो बेटर होगा ना आप इसको एकदम ऊपर ही उड़ा के ले लो ऐसे, ठीक है ये यहां पे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फाइन। ये पार्ट ये क्या हो गया C4 हो गया, और ईच कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगा, ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C।
अब हम क्या करते हैं ना, विश्व नेटवर्क दिख रहा है ना हमको, ये सी टू सी फाइव सी वन सी सिक्स और सी थ्री क्या विश्व नेटवर्क फॉर्म करे, तो हम ना पहले इनकी चेक कर लेते हैं कि नेटवर्क बैलेंस है या नहीं है। तो सी टू एंड सी फाइव को चेक करते हैं हम लोग। तो सी टू अपॉन सी फाइव ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी सी टू ये वन इज टू वन हो जाएगा। सी वन एंड सी सिक्स का चेक कर लेते हैं, सी वन एंड सी सिक्स का वो भी क्या वन इज टू वन होगा। तो ये अगर आप नहीं भी दिखाते तो भी चले, देयर इज नो नीड टू शो दिस वन। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर पार्ट पे। तो क्या सी टू एंड सी फाइव ना यहां पे क्या हो गया, ये पर्टिकुलर पार्ट में सी टू एंड सी फाइव आर इन सीरीज। तो सी टू सी फाइव सीरीज में तो ये फर्स्ट सीरीज होगा, ये कौन से वाला है, सी टू एंड सी फाइव को मल्टीप्लाई करना है, देन सी टू एंड सी फाइव को क्या करना है आपको एड करना है। तो अब क्या होगा, सी इंटू सी ना सबका वैल्यू यही है, तो ये ना सी बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली आप सी वन एंड सी सिक्स को सॉल्व करोगे आपको दूसरा सिमिलरली सीरीज वैल्यू मिलेगा, सी एस टू दैट सी बाई टू, ये क्या होगा सी एस वन सी एस टू। और ये डायग्राम ना थोड़ा मॉडिफाई होगा ना यहाँ पे सी एस वन सी एस टू, अब इसके ऊपर भी तो लेना आपको एक कैपेसिटेंस जहां पे ये वैल्यू, ये डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सी फोर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया आपने, क्या मिला आपको सीपी मिला है ना, सी एस वन सी एस टू को सॉल्व किया आपने सीपी मिला। तो अब जो हमारा डायग्राम है वो कैसा होगा, नेक्स्ट वन नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा कि हमको ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये क्या है पॉइंट बी है। तो ए एंड बी में इसको सी एस वन सी एस टू को सॉल्व किया हमने सीपी मिला, ठीक है सी एस वन सी एस टू को सॉल्व किया सीपी मिला, और उसके ऊपर क्या है वैल्यू, उसके ऊपर है सी फोर। तो ये दोनों वैल्यूज कैसे है पैरेलल में ना, दीज टू वैल्यूज आर इन पैरेलल, ठीक है। मैं ये वाला एक ड्रॉप कर देता हूं, ये अभी इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं, ये न्यूट्रल पॉइंट है कंडीशन। तो अब आप मेंशन कर सकते हो, क्या मेंशन करोगे, सीपी एंड सी फोर आर इन पैरेलल, सीपी एंड सी फोर आर इन पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, जो सीपी फाइनल होगा ना सीपी डैश ले लो उसको, तो ये क्या हो जाएगा सीपी प्लस सी फोर। सीपी का वैल्यू कितना मिला आपने को, सी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सी प्लस सी फोर का वैल्यू सी है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा टू सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है वापस से वही सेम क्राइटेरिया, कितने जंक्शन पहले वो देख लेते हैं। यहां पे जंक्शन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स जंक्शन है। तो वापस से सिक्स पॉइंट का डजन मीन कि आपको सिक्स पॉइंट के लिए वी जीरो एक्स वाई के अलावा भी आपको पॉइंट लेना, इतने पॉइंट में हो जाएगा। तो ये हो गया वी, तो अब क्या हो गया कि यहां से वी पोटेंशियल आपने असाइन किया, यहां पर जीरो पोटेंशियल असाइन किया, तो ये क्या होगा ये वायर है, तो यहां पर वी पोटेंशियल होगा एज यू आर गोइंग अप, अब जाके कैपेसिटर है तो उसको ले नहीं सकते आप, यहां पे भी कैपेसिटर है तो नहीं ले सकते, यहां पे भी कैपेसिटर है नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम ज्यादा जीरो पोटेंशियल पाए जाते हैं, जीरो पोटेंशियल वाली वैल्यू यहां पे, तो ये यहां तक वायर है तो ये जीरो पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा ये कैपेसिटर है तो नहीं ले सकते, यहां पे यहां पे भी कैपेसिटर है तो आगे नहीं प्रोसीड कर सकते जीरो को, यहां पे भी नहीं। तो अब क्या हो गया, अब हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारे फोर पॉइंट बाकी है, वन टू थ्री फोर, उसमें से एक वैल्यू को मैंने एक्स ले लिया, जब इसका एक्स लोगे ना तो ये इट्स कनेक्टेड टू वायर ना, ये वैल्यू भी एक्स ही होगा। तो सेकंड पॉइंट को वी आर टेकिंग वाई, व्हेन यू गो डाउन इट्स कनेक्टेड थ्रू वायर, तो ये भी वाई होगा। तो नाउ वी आर हैविंग वैल्यू फॉर ऑल जंक्शन, ठीक है, हर जंक्शन का पोटेंशियल पता चल गया हमको। अब इसमें एक और चीज देखना, सी वन एंड सी टू का जो वैल्यू है वो सी बाय फोर है, सी बाय फोर है, बट सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी सेवन का जो वैल्यू है वो सी है, बाकी सारे कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा सी होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमने जैसे पॉइंट डिसाइड किया था कि आपको क्या लेना है, यहाँ पे पोटेंशियल वी लेना है, सो अदर साइड में आपने क्या ले लिया पोटेंशियल जीरो ले लिया, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा पोटेंशियल आपका ये अपर एक्स हो गया, यहां पे पोटेंशियल वाई ले लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटर्स कैसे कैसे अरेंज करना, तो व्हेन यू सी कैपेसिटर वन, कैपेसिटर वन किसके पोटेंशियल के बीच में है, तो एक्स और वी के बीच में कैपेसिटर वन, तो कैपेसिटर वन वी और एक्स के बीच में, तो वी एंड एक्स के बीच में कैपेसिटर वन दैट इज व्हाट सी वन, तो सी वन का वैल्यू आपको यहां पर मिला, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब कैपेसिटर टू पे फोकस करते हैं, कैपेसिटर टू किसके बीच में है, वो भी वी और एक्स के बीच में है, ओ तो मतलब अब यहां पे कोई एक पैरेलल ब्रांच लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां पे एक पैरेलल ब्रांच आ जाएगा, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका सी टू का वैल्यू है, जिनकी वैल्यू क्या है ये सी बाय फोर है, और सी वन का वैल्यू भी क्या है सी बाय फोर है, ठीक है। अभी अगला पॉइंट पे आ जाते हैं, सी वन सी टू हो गया, अभी सी थ्री पे देखते हैं, सी थ्री किसके बीच में है, एक्स एंड जीरो पोटेंशियल के बीच में, सी थ्री बिटवीन एक्स एंड जीरो पोटेंशियल, तो सी थ्री यहां पे हो गया एक्स बिटवीन एक्स एंड जीरो पोटेंशियल, ये क्या होगा सी थ्री की वैल्यू होगी, जिसका वैल्यू क्या है सी है। अब आ जाते हैं सी फोर, सी फोर बिटवीन एक्स एंड वाई, सी फोर एक्स वाई के बीच में, ठीक है,
C4 इज बिटवीन x एंड y, तो C4 इज बिटवीन x एंड y, ये C4 हो गया आपका, ठीक है, यहां पे गया C4। अब अगला पॉइंट पे आ जाते हैं C5 किसके बीच में है, y एंड 0 के बीच में, तो y एंड 0 पोटेंशियल ये हो गया यहां पे, y एंड 0 पोटेंशियल, उसकी वैल्यू क्या है, कौन सा है C5, ठीक है। अब आ जाते हैं C6 पे, 6 के बीच में है C6, V एंड Y के बीच में, तो पोटेंशियल V एंड Y के बीच में C6 होगा, तो C6 इज ओवर हियर, तो C6 का वैल्यू भी क्या है, C है, वैसे C5 का वैल्यू भी C ही है, C4 का वैल्यू भी C है, वो देखते हैं आगे। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, C7 किसके बीच में, 0 और Y के बीच में, तो 0 और Y के बीच में एक और ब्रांच आ गया, तो मतलब ये हो गया C6, तो ये पैरेलल हो गया, बराबर हो गया C6 जिसका वैल्यू, C7 जिसका वैल्यू क्या है, सी है, ये यहां पे आपने ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये विस्टो नेटवर्क की तरह होगा, बट उससे पहले ना हमें पहले ये दो पार्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, हाँ तब ये शायद विस्टो नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या बताया, C1 एंड C2 पैरेलल में, तो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, CP1 मिलेगा आपको, CP1 की वैल्यू क्या होगी, C2 प्लस C1, तो क्या हो जाएगा, C/4 प्लस क्या होगा, C/4, तो फाइनली ना ये 4 हो गया, ऊपर क्या होगा 2C हो जाएगा, तो ये क्या होगा C/2 हो गया, CP1 की वैल्यू। यहां पे भी देख लेते हैं ये पर्टिकुलर पार्ट में, C5 एंड C7 का भी सेम कंडीशन है, C5 एंड C7 आर इन पैरेलल, ना ये ऊपर वाला कंडीशन ले लिया मैंने, तो उसको हमने ले लिया CP2, CP2 का वैल्यू क्या होगा, C5 प्लस C7 होगा C+C, वैल्यू क्या हो जाएगा 2C। तो अब डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम डायग्राम को ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, एक कैपेसिटर तो इस ब्रांच में होगा, और फिर एक कैपेसिटर इस ब्रांच में, जो ऑलरेडी वैसे ही जैसा दिया रहेगा उसी टर्म में लेंगे, इस ब्रांच में जो कैपेसिटर है वो ले लिया हमने, और इस ब्रांच में जो कैपेसिटर है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये CP1 बन के मिला हमें, CP1 की वैल्यू कितनी मिली हमें, ये वैल्यू मिला हमें C/2, और ये जो CP2 मिला हमको वो कितना मिला, CP2 का वैल्यू मिला 2C, ठीक है, तो ये कौन सा इस ब्रांच में C6 है जिसकी वैल्यू C है, इस ब्रांच में क्या है C3 है जिसकी वैल्यू भी C है, और ये क्या है सेंटर पे जो आपको मिला है ये क्या है C4 है, इसका वैल्यू क्या है C है। अब ना हम जब चेक करते हैं ना, अब वो रेशियो वाला पैटर्न देख लो जरा, कि रेशियोज वाले कंडीशन आपको वैसे मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो CP1 टू C3 का रेशियो लो, CP1 का वैल्यू क्या है C/2 है, C3 का वैल्यू C है, कैंसिलेशन का वैल्यू क्या 1/2 हो गया, ठीक है, ये रेशियो क्या 1/2। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, ये विस्टोन की तरह दिख रहा है, इसके हम वेरीफाई करेंगे वैसा आता है या नहीं आता। तो दूसरा क्या होगा C6 का और CP2 का रेशियो आप ले लो, C6 का वैल्यू क्या है C है, CP2 का वैल्यू 2C है, कैंसिल वाला ये होगा 1/2, दोनों का वैल्यू सेम आना, मतलब ये विस्टोन नेटवर्क का, विस्टोन नेटवर्क का मतलब क्या होगा C4 को आपको निग्लेक्ट कर देना, C4 को निग्लेक्ट कर दोगे तो CP1 CP3 क्या होगा सीरीज में होगा, तो CP1 एंड C3 आर इन सीरीज, ठीक है, तो सीरीज का क्या क्राइटेरिया ये हो गया CS1 ले लिया हमने इसको, फर्स्ट कैपेसिटेंस अपॉन फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस सेकंड कैपेसिटेंस, फर्स्ट कैपेसिटेंस क्या है C/2 है, सेकंड कैपेसिटेंस क्या है C है, फिर C/2 प्लस C, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा ये C² / 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा ऐसे हम लोग 3C/2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होगा C कैंसिल होगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा आपको CS1 का वैल्यू आपको मिलेगा C/3, ठीक है ना, 2C एंड तो 3C/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये C/3 मिला CS1 का वैल्यू, तो CS2 का वैल्यू क्या मिलेगा, CS2 में देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो आप बताओगे C6 एंड CP2 आर इन सीरीज, ये पहले ये दो सीरीज में थे तो उसके लिए ये वैल्यू मिला, ये दो सीरीज में होंगे तो इसके लिए क्या वैल्यू मिल रहा है, तो ये हो गया CS2, तो ये होगा C6 इंटू CP2 अपॉन C6 प्लस CP2, C6 की वैल्यू कितनी है वो C है, CP2 की वैल्यू क्या है 2C है, अपॉन क्या होगा C प्लस 2C, तो ये कितना आएगा 2C² / 3C, कैंसिल हो गया, तो आपको CS2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा 2/3C मिला, ओके। अब जो है ये डायग्राम को सिंप्लीफाई, क्योंकि ये तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब जो आपका डायग्राम अपीयर होगा कैसा अपीयर होगा, तो यहां पे ऊपर मिलेगा आपको CS1, बिलो आपको मिलेगा CS2,
बराबर, और ये दोनों ज्वाइन हो गए, और कौन से पॉइंट हो गए, ए एंड बी के बीच में, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गए। तो आप मेंशन करोगे यहां पे सी एस वन एंड सी एस टू आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का क्या क्राइटेरिया होगा, फाइनल सीपी हो जाएगा। अच्छा सीपी आपने और लेना, सीपी वन सीपी टू लिया तो ठीक है चल गया, इसको सीपी ले सकते हैं। तो सीपी का वैल्यू क्या होगा, सी एस वन प्लस क्या होगा, ये सी एस टू हो गया। सी एस वन का वैल्यू क्या है, सी एस वन का वैल्यू मिला सी बाई थ्री, सी एस टू का वैल्यू क्या मिला है टू सी बाई थ्री, तो क्या हो जाएगा एलसीएम थ्री हो गया, ये न्यूमरेटर एड करके थ्री हो गया, तो कैंसिल वैल्यू कितनी हो गई सी कैपेसिटेंस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो देखो आपने कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स थे, बट यू आर एबल टू सॉल्व वेरी इजिली, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। फिर कैसा भी डायग्राम हो, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई में भी आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका डायरेक्ट आंसर भी अगर आपको याद है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो, पर फिलहाल हम इसका पैटर्न सीखते हैं कि मतलब कैसे हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलता है इस केस में। तो अब जैसा हमने पहले डिसाइड किया था, अच्छा इसको करने से पहले ना एक चीज और आप समझ लोगे तो बेहतर होगा कि लाइक अगर मैंने मान लो ये कैपेसिटेंस वन है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस टू है, ठीक है, और ये कैसा है, ये वी पोटेंशियल है और ये क्या है जीरो पोटेंशियल है, एज वी से यहां पे एक्स पोटेंशियल है, करेक्ट ना। सो दो चीजें होती है, जब एक्स को मैं असाइन करता हूं दो पैटर्न होता है कि V पोटेंशियल जब ना कैपेसिटर वन से पास होके जाएगा, मतलब जब चार्ज C1 से पास होके जाएगा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहां पे जो ऑप्टेन पोटेंशियल होगा वो X होगा, तो यू कैन गो इन दिस डायरेक्शन, लाइक जहां से चार्ज फ्लो रहा वहां से फाइनली जहां पे रीच होगा वहां पे। एक दूसरा पैटर्न भी होता है कि मतलब कि मान लो कि अगर जैसे ये मैं डायग्रामेटिकली समझने के हिसाब से यहां पे क्या है जीरो पोटेंशियल है, वेन यू आर गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन, मतलब यहां पे जीरो है, जब आप पहले जाओगे तो कुछ तो पोटेंशियल मिलेगा, वो पोटेंशियल इज X, अजम्पशन है, तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद यहां पे आपको ये वैल्यू दिया आएगा। अब एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर मान लो ना कि कितने भी ब्रांच में लू, ठीक है, और अगर ये कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, द अमाउंट ऑफ जो चार्ज है अगर वो भी सेम है, अगर क्यू का वैल्यू सेम है और सी का वैल्यू सेम है, तो यहां पर जो पोटेंशियल ऑब्टेन होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी। क्यों, क्योंकि जो वी है उसका फॉर्मूला क्या है, सीवी इज इक्वल टू क्यू ना, ये Q by C, तो कितना चार्ज फ्लो रहा है कौन से कैपेसिटेंस से वो बताता है कि वो कैपेसिटेंस कितना पोटेंशियल एक्वायर करेगा, तो उतना पोटेंशियल यहां ड्रॉप हो गया, तो बाकी पोटेंशियल कितना बचेगा दैट यू कैन फाइंड आउट, है ना, इस डायग्राम के हिसाब से। तो अब हम जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए ना हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जैसे अभी हमें जो असाइन करना था, तो मैंने यहां पर असाइन कर लिया वी पोटेंशियल, ये डायगोनली अपोजिट है और ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, तो यहां पर जो वैल्यू है इसको आपने जीरो पोटेंशियल ले लिया। क्राइटेरिया सिंपल है, ये जंक्शन पे अगर आप हर जंक्शन पे आपको पोटेंशियल निकालना, तो कितने जंक्शन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट जंक्शन है, जो फर्स्ट जंक्शन पे जो पोटेंशियल है ना यहां पे क्या होगा, ये वी हो गया। अब आप इमेजिन करो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम देख लेते हैं कि मान लो कि ना इस पे ना जो चार्ज इंड्यूस होगा ना वो हो गया, मतलब यहां से थ्री क्यू अमाउंट चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब जब चार्ज ना इस ब्रांच में फ्लो होगा, ये ब्रांच ना जो ये ब्रांच में फ्लो होगा चार्ज, फिर इस ब्रांच से फ्लो के जाएगा यहां तक पहुंचेगा वो चार्ज क्यू, फिर इस ब्रांच से फ्लो के जाएगा यहां तक पहुंचेगा चार्ज क्यू, ठीक है। तो ये चार्ज क्यू हो गया, या इस ब्रांच से भी चार्ज क्यू फ्लो हुआ, इस ब्रांच से भी चार्ज क्यू फ्लो हुआ, तो थ्री क्यू चार्ज ना सिमेट्रिकली, तो मान लो अगर क्योंकि सिमेट्रिकली डिवाइड होगा, ये एक्चुअली बैलेंस सर्किट ना, डायगोनली अपोजिट होगा, बैलेंस सर्किट होगा, तो अब यहां पर क्यू में ये क्यू में और ये क्यू में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो मतलब अब ये जो क्यू से सी में पास होगा, तो क्यू इंटू ये क्यू बाय सी, मतलब जब क्यू चार्ज सी कैपेसिटी से पास होगा तो कोई तो पोटेंशियल एक्वायर करेगा, तो आपने इमेजिन करा कि वो पोटेंशियल एक्स है, तो अगर यहां पे एक्स होगा इस पॉइंट पे भी एक्स होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा एक्स होगा, ठीक है, और वहां पे जीरो पोटेंशियल है। तो अगर आपको लेना है तो आप इमेजिन कर लो कि ये जो ब्रांच है, ये रेड मार्कर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन से ब्रांच का है, ये बी से एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कितने जंक्शन का मिला पोटेंशियल, एक तो इस जंक्शन का मिला तो वी है, इस जंक्शन का मिला एक्स है, इस जंक्शन का मिला एक्स है, और इस जंक्शन का मिला एक्स है, और ये जंक्शन का पता है। अब कितने जंक्शन बाकी है, तो अब देखते हैं हमारे पास थ्री जंक्शन लेफ्ट है, तो एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन बाकी है, और एक ये जंक्शन बाकी है, चलो ठीक है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज लीव करेगा सिस्टम को, तो यहां से जो है थ्री क्यू अमाउंट का चार्ज लीव करेगा,
अब थ्री ब्रांचेस है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो इसका मतलब जो चार्ज अप्रोच कर रहा होगा ना, वो चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, इस ब्रांच से भी क्यू होगा, इस ब्रांच से भी क्यू होगा और इस ब्रांच से भी क्यू होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप देख लो कि अगर मान लो यहां पे ना पोटेंशियल सिक्स है, यहां पे जीरो है, तो यहां पे फोर होगा, मतलब आप जब ऐसे जा रहे हो तो ये फोर होगा, जब ऐसे जा रहे हो तो ये फोर, मतलब अगर मान लो एक और पॉइंट है, जैसे आप कैपेसिटर C3 ले लो, कैपेसिटर C3, ठीक है, और यहां पे जीरो है, ये फोर हो गया, यहां पे क्या होगा, टू हो गया, तो ये टू यहां पे ले लो, इन बिटवीन यहां पे टू ले लेता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, ये क्या हो गया C1 है, ये इसको C2 ले लो, इसको C3 ले लो, आपने अज्यूम किया यहां पे पोटेंशियल सिक्स था, यहां पे पोटेंशियल फोर हो गया, क्योंकि इसने टू पोटेंशियल को ड्रॉप किया, मतलब कैप्चर किया। अब ये फोर से यहां पे जो वैल्यू है, इसको अगर आप लेना है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया यहां पर पोटेंशियल वन ड्रॉप हो गया, तो ये कितना ड्रॉप किया रहेगा, थ्री पोटेंशियल इसने एक्वायर किया रहेगा, इसने यूज किया रहेगा, तो अब ये जो है ये कितना वन पोटेंशियल। तो समझने वाली बात ये है कि ना, जैसे कि अभी मैं वी से अगर यहां पे जा रहा हूं तो ये फोर है, बट अगर मैं जीरो से यहां आ रहा हूं तो कंपल्सरी है कि ये भी फोर ही होगा, है ना, क्योंकि बीच में और भी कैपेसिटर्स हो सकते हैं या और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इसमें क्या है, ये तीन कैपेसिटर्स को हमने यूज किया। जब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये तीन कैपेसिटर की बात कर रहा हूं ना मैं, बाकी कैपेसिटर कहां मैंने लिए, तो हो सकता है बाकी ड्रॉप वहां पर भी हुआ रहेगा, तो हमें बाकी से लेना देना नहीं है। तो अगर जीरो पे पहुंचने के पहले पोटेंशियल क्या रहा होगा, तो अगर आप समझ लो कि यहां पे चार्ज क्यू है और ये कैपिटल सी है, ठीक है, तो ये सी कैपेसिटेंस से अगर ये चार्ज क्यू पास होता है तो उसका पोटेंशियल फाइनली टर्न होता है जीरो में, यहां पे भी जब क्यू चार्ज ना सी से पास होता है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, यहां पे भी क्यू चार्ज जब सी से पास होगा, यहां सॉरी ये क्यू चार्ज पास हुआ सी से जीरो हो जाएगा, यहां पे क्यू चार्ज सी से पास हुआ पोटेंशियल जीरो हो गया, क्यू चार्ज सी से पास हुआ पोटेंशियल जीरो हो गया, मतलब सेम चार्ज है और सेम कैपेसिटेंस की वैल्यू है, तो मतलब तीनों जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल जो आपने लिया है ना वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल को हमने ले लिया, इसको वाई ले लिया, ये पॉइंट पे वाई ले लिया, इस जंक्शन पे वाई ले लिया और इस जंक्शन पे वाई ले लिया, जो तीनों पॉइंट वहां पे जा रहे हैं। अब हमको ना हर जंक्शन का पोटेंशियल पता चल गया, तो देख लो आप, ये वी है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये क्या वाई है और ये जीरो है। तो अब हमको सारे जो भी ये पॉइंट सबके पोटेंशियल पता चल गए, तो अब हम ना डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये पार्ट को मैं रख कर देता हूं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, इसमें ना थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है, जैसे ना फोर पॉइंट्स आपने जो नॉर्मली पैटर्न लिया था, यहां पे पैटर्न अलग होगा, तो इसके पैटर्न में क्या है ना कि जो आपके ना पॉइंट्स है, जैसे कि आपने वी पॉइंट लिया है तो वी पॉइंट आपको लेना है, देन आपको जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट लेना है, फिर आपको देखना है ना कि फ्रंट फेस पे कितने पॉइंट्स है, कौन कौन सा पॉइंट है फ्रंट फेस पे, देखो एक्स पॉइंट पोटेंशियल वाला पॉइंट भी है, वाई पोटेंशियल वाला पॉइंट भी है, जीरो पोटेंशियल वाला भी है, ना जीरो वाला नहीं है, तो लेकिन हमें लेना है वी और जीरो के बीच में, वी और जीरो के बीच में लेना है, तो बाकी जो भी पॉइंट्स फ्रंट फेस पे ना जो मिसिंग है इसमें उसको आप देख लो, तो वी तो ऑलरेडी है, एक्स और वाई मिसिंग है, तो आप उसको उसी लाइन में लिख लो, ये एक्स पोटेंशियल और ये क्या होगा वाई पोटेंशियल, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है, अब हमको ना असाइन करना है वैल्यूज, तो जीरो पोटेंशियल को थोड़ा दूर ले लेता हूं। अब देख लो आप, अगर ध्यान से देख लो, सी वेरी केयरफुली, इसको एक और चीज आप कर लोगे तो बेहतर होगा, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। वाई से देखो जीरो पे ये ब्रांच हो गया, वाई से जीरो पे ये ब्रांच हो गया, वाई से जीरो पे ये ब्रांच हो गया, ठीक है। अब देखो रेड मार्कर, देखो रेड मार्कर, वी से एक्स पे, वी से एक्स पे, वी से एक्स पे, तो तीन कैपेसिटेंस है जो वी से एक्स पे जा रहा है, ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर, ये तीनों कैपेसिटर्स कहां से कहां जा रहे हैं, वी से एक्स पे जा रहे हैं ना, वी से एक्स के बीच में तीन कैपेसिटर, ठीक है, ये हमने वैल्यू ऑब्टेन कर लिया, ये तीन कैपेसिटर वी से एक्स के बीच में। अब जो दूसरा है, जो ब्लैक मार्कर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, वाई से जीरो, वाई से जीरो और वाई से जीरो, तो ये तीनों कैसे है, ये वाई से जीरो, तीन कैपेसिटेंस है वो भी, ये वैल्यू ले लिया हमने और ये वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में सिंप्लीफाई करेंगे, बस समझने के हिसाब से। अब कौन सा हो गया, अब जो बचा है ना, जितने भी ब्लू मार्कर से जो भी इंडिकेटेड है, तो कितने सेगमेंट है ब्लू मार्कर से, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो आप सबका देख लेते हैं, ये जो पहला पार्ट है इसको देख लेते हैं, मतलब ये वाले ब्रांच का पहले देख लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये एक्स वाई के बीच में 1, एक्स वाई के बीच में ये 2 हो गया, फिर एक्स वाई के बीच में ये 3 हो गया, फिर एक्स वाई के बीच में ये 4 हो गया, एक्स वाई के बीच में ये 5 हो गया, एक्स वाई के बीच में ये 6 हो गया, मतलब दैट टोटल 6 कैपेसिटर्स व्हिच आर इन पैरेलल बिटवीन एक्स एंड वाई। तो अब उसके लिए क्या करोगे, आप यहां पे ले लो, सो ये कैपेसिटर 1 हो गया, कैपेसिटर 2 हो गया, कैपेसिटर 3 हो गया, कैपेसिटर 4, कैपेसिटर 5,
एंड कैपेसिटर 6, ठीक है, और ये सारे कैपेसिटर्स किसके बीच में, x एंड y के बीच में, करेक्ट ना, तो ये सारे कैपेसिटर x एंड y के पास चले जाएंगे ये पॉइंट्स पे, तो ये 6 आपस में पैदल है। अब समझ वाली बात अगर आप ध्यान दो तो ये सब की वैल्यू इनका c है, ये वैल्यू भी c है, ठीक है, तो अब रूल के हिसाब से आप देखो तो ये हो गया सी पी वन, ये फर्स्ट पैरेलल है, इसकी वैल्यू क्या होगी 3c होगी, डायरेक्टली ऐड होगा ना पैरेलल में, ये क्या होगा सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो ऑल एडेड एन 6c हो जाएगा, ये थर्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3c हो गया, तो ये ऑल थ्री कैसे हो गए सीरीज में हो गए, तो आप बताओगे तो कैसा हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो गया 3c, जो दूसरा कैपेसिटेंस कितना हो गया 6c हो गया, फिर नेक्स्ट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो गया 3c, तो अभी क्या हो गया 1 अपॉन सी एस का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन 3c प्लस 1 अपॉन 6c प्लस 1 अपॉन 3c, एलसीएम की वैल्यू क्या होगी 6c होगा, तो 3c 2 जा और ये क्या होगा 1 जा और ये 2 जा, तो क्या हो जाएगा ये 5/6c, तो इसका मतलब सी एस का वैल्यू क्या होगा 6c अपॉन 5, तो ये होगा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। जब आप ना रजिस्टर के लिए करोगे ऐसे ना, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो यहाँ पे रजिस्टर लगा होगा, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, जो ये नंबर है ना ये इन्वर्ट हो जाता है और सी के जगह का आएगा आर आ जाएगा, तो जैसे 6/5 है वैसे आपको 5/6 आर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, वो ये है कि अगर मान लो कि ना यहां से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल 6 है, ये कहीं से आ रहा होगा, अभी ये दो ब्रांच बने इसके, ये ब्रांच में कैपेसिटर सी है, इस ब्रांच में भी कैपेसिटर सी है, ठीक है, अभी ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ऐसा, आप ये देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इसका ना ये 4 हो गया, बट इस केस में पोटेंशियल 4 नहीं है, ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है यहां से जब ये गया है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू का मालूम नहीं पता है, तो नॉर्मली मैं बता रहा हूं जैसे गेस करने के हिसाब से, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल 4 हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे एक कैपेसिटेंस है, अगर ये यहां पे 4 क्यों नहीं हुआ रहेगा, हो सकता है शायद इसके फ्यूचर में जाके ना अगर आप देखोगे मतलब फर्दर इफ यू गो अहेड यू विल फाइंड आउट देयर आर अनदर कैपेसिटेंसेस है ना कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट, तो ये क्या होगा यहां पे 4 नहीं होगा, ये हो सकता है ये 5 होगा, फिर ये पॉइंट पे आकर शायद ये 4 हो, तो फिर ये ज्वाइन होगी यहां पे इस तरीके से, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि सेम टाइप ऑफ कैपेसिटेंस जब भी ये पास होगा यहां से पास हो गया, तो जैसे नॉर्मली आपने पिछला वाला सिमेट्रिकल डायग्राम था, यहां पे सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल मतलब वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, सो ये जो पॉइंट है अब इसमें सेम कंडीशन है, यहां पे ये वी पोटेंशियल ले लो, यहां पे जो अदर एंड है वहां पे आपने 0 पोटेंशियल ले लिया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या होगा ये आपका होगा वी पोटेंशियल, और ये पॉइंट पे यहां पे क्या होगा ये हो गया आपका 0 पोटेंशियल। अब रूल के हिसाब से देखो तो इसके ना कितने पार्ट्स में अगर चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज विल फ्लो इन व्हाट वेज, तो आप ये देखो एक तो चार्ज फ्लो हो गए इस एंड पे जाएगा तो डायरेक्टली ना पोटेंशियल 0 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 0 हो जाएगा, तो अब ये ब्रांच में पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा है और इस ब्रांच में पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा है, बराबर ना, पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा है इन ब्रांच में, तो अगर इन ब्रांच में पोटेंशियल 0 नहीं हो रहा है तो क्या इनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, वो क्वेश्चन है, तो उसके लिए मुझे इसके आगे का भी एक्टिविटी देखना पड़ेगा, तो जैसे कि ना ये पॉइंट पे मैंने मार्क किया और इस पॉइंट पे मार्क किया मैंने, अब मैं दोनों की एक्टिविटी देखता हूं, तो आई एम फाइंडिंग इसके ना दो ब्रांच है, एक ब्रांच ऐसे ऊपर जा रहा है, इसमें भी एक ब्रांच इधर जा रहा है, ठीक है, दूसरा ब्रांच जो ना राइट में जा रहा है उसको मैंने मार्क किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच रहा है, ये भी राइट में जो मैंने मार्क किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर उस पॉइंट से ये डायरेक्टली कौन से पोटेंशियल में जा रहा है 0 पोटेंशियल पे, ये भी उस पॉइंट से कहां जा रहा है 0 पोटेंशियल पे, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने के बाद और यहां से यहां तक पहुंचने के बाद उनका जो फर्दर जो कॉम्बिनेशन है वो क्या ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है ना, देखो यहां पे एक ब्रांच यहां गया सी कैपेसिटेंस का, यहां पे एक ब्रांच इधर गया, फिर बाकी राइट वाले ब्रांच को आप ट्रेस करते हो तो यू आर फाइंडिंग कि यहां पे ये राइट में गया फिर ये 0 पे चला गया, ये राइट में गया 0 पे चला गया, और इस जंक्शन में देखो एक सी कैपेसिटेंस यहां पे, ये भी उस जंक्शन में सी कैपेसिटेंस और उसी पॉइंट को मिल रहे, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये होगा एक्स पोटेंशियल और ये पॉइंट होगा एक्स पोटेंशियल, ठीक है, तो मैंने क्या किया इसको ब्लैक मार्कर से इंडिकेट कर दिया कि ये जो दो ब्रांच है इसको ब्लैक मार्कर से मैंने इंडिकेट किया, तो पता चलेगा वी से एक्स तक जाने के लिए 2 पोटेंशियल है। अब हम रिवर्स स्टेप भी लेते हैं, 0 वाले में देख लो, 0 वाले में क्या हो रहा है, 0 वाले में अगर आप नोटिस करते हो तो यहां पे क्या होगा, अब ना समझो कि यहां पे ये देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट इंडिकेट करो, तो ये पॉइंट पे देखो मैंने ग्रीन मार्कर से ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मतलब ये जो पॉइंट पे एक तो पोटेंशियल एक से ड्रॉप होकर यहां पे आएगा,
यहां पर भी देखो उस पॉइंट पे एक्स से ड्रॉप हो गया है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो जो उसका पोटेंशियल कहां से ड्रॉप हो गया है, यहां से, ये पॉइंट से, और दूसरे के लिए वही पॉइंट है, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, तो सेम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट का भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इनके पोटेंशियल को कैसे इंडिकेट करोगे, इसके लिए मैं ना रेड मार्कर यूज करता हूं, रेड मार्कर कहा गया, हाँ, सो आई विल यूज रेड मार्कर फॉर दैट। सो मैंने इमेजिन किया कि ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होगा वाई और ये पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल वाई होगा, मतलब वाई से ये जीरो पे ड्रॉप हुआ रहेगा ऐसा, ठीक है, ये कंडीशन डन। तो हमारे चार सेगमेंट मिल गए, और अब कितने का पोटेंशियल बाकी है हमारे पास, दो पॉइंट दिख रहा है जिनका पोटेंशियल को, दो जंक्शन है जिसका पोटेंशियल को नहीं पता, ये दो जंक्शन, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, वो देखो कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना इन पॉइंट्स के पोटेंशियल को, तो आप ऐसे नोटिस करो, ये एक्स से पोटेंशियल जाएगा इस पॉइंट पे, यहां पे भी एक्स से ड्रॉप होगा इस पॉइंट पे जाएगा, तो कोई तो कॉमन पोटेंशियल मिलेगा ना, ये एक्स से ड्रॉप होगा, मान लो जैसे यह सिक्स है, सिक्स से ड्रॉप होकर फोर होगा, ये भी सिक्स से ड्रॉप होकर फोर ही होगा, तो ये क्या, इस पॉइंट को मैंने कैपिटल एम ले लिया, ठीक है। तो अब अगर इंडिकेट करना है तो आप इसको भी रेड मार्कर से इंडिकेट कर दो कि यहां पे ये पोटेंशियल ऐसे ड्रॉप होकर एम तक जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये ब्रांचेस को नहीं ले रहे हैं अभी, हम ये ब्रांचेस को डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको, तो अब ये जो है, क्योंकि बाकी का पोटेंशियल तो पता ना, उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। अब ये जो है जा रहा है राइट साइड में, अब ये कैपेसिटर से पास होगा चार्ज, तो क्या होगा, इसके अपर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ये पॉइंट मिलेगा। बट अब नोटिस करने वाली बात क्या है, कि ये पॉइंट ना यहां पे जाके वाई देगा और ये पॉइंट भी यहां पे आके वाई दे रहा है ना, मतलब इक्वल टाइप का ही ड्रॉप हो रहा है। तो इसको आपको एक नया पॉइंट ले लो, ये एन, जो ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पोटेंशियल ड्रॉप करके पहुंचना है, तो उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। अब मुझे ना हर कॉर्नर का पोटेंशियल पता है, तो इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ना मैं अगर बहुत ध्यान से नोटिस करूं इन सारी चीजों को, तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, हाँ यहां पे एक और चीज है जो ब्लैक मार्कर से मैंने इंडिकेट किया, तो यहां पे एन टू वाई वाला भी ब्लैक मार्कर से इंडिकेट कर देता हूं, ये एन टू वाई वाला ब्लैक मार्कर से, ठीक है। हाँ तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो जैसा सिंपल जो मैंने बताया था कि अगर ये जब भी आप ना क्यूब का बना रहे हो, उसका क्राइटेरिया सिंपल है, आपको वी लेना है, देन यू हैव टू टेक जीरो, बराबर। फिर उसके बाद आपको पॉइंट्स देखने, कौन से पॉइंट्स फ्रंट फेस पे है, तो वी है, तो वी हमने लिया हुआ है, एक्स है और वाई है, एन जीरो है। तो अभी आप सोच रहे हैं एक्स और वाई तो हमेशा इस पे ही आता है, तो वैसा हमेशा कंपल्सरी है, कभी कभी एक्स और वाई है ना वो बाहर भी चला जाता है, ठीक है। तो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अलावा भी हमारे पास पॉइंट है, कौन सा, एम और एन है, बट वो फ्रंट फेस पे नहीं है, तो इसका था एम और एन को हमने पीछे ले लिया, तो एम को हमने यहां पे ले लिया और एन पॉइंट को हमने यहां पे ले लिया। तो अभी वी टू एक्स, वी टू एक्स को समझना है, तो आप देख लो यहां पे ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया वी टू एक्स, दो ब्रांच आ रहे, ठीक है। तो वी टू एक्स पे दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर वन एंड कैपेसिटर टू, ऐसे दोनों की वैल्यू तो सेम ही है ना, तो ये क्या है कैपेसिटेंस, तो ये वी टू एक्स में ये दो कैपेसिटर है, बराबर। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, अब दूसरे साइड वाले ये वाला भी देख लो, रेड मार्क कर चलो, जीरो टू वाई, जीरो टू वाई में कितने हो गया, दो कैपेसिटर था जीरो टू वाई, तो जीरो टू वाई में भी हमने दो कैपेसिटर ले लिया, वो पहले ही हो गया जीरो टू वाई, बराबर। तो ये भी हो गया जीरो टू वाई, बराबर। अब हम देख लेते एक्स टू वाई वाला, एक्स टू वाई देखो यहां पे एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, तो ये दो ही है ब्रांच जो ग्रीन मार्कर से मैंने इंडिकेट किया है, एक्स टू वाई में दो हो गया ना, एक्स टू वाई और एक्स टू वाई, तो एक्स टू वाई में वो मैंने ग्रीन मार्कर से इंडिकेट किया था, उसे मैं इंडिकेट करता यहां पे, वो भी यहां पे ऐसे, ठीक है। सो क्राइटेरिया क्या होगा, एक्स टू वाई और एक्स टू वाई है, फाइन। अब उसके बाद क्या हो गया, सो हमने ये ब्रांच कर लिया, ये ब्रांच कर लिया, ये ब्रांच हो गया और ग्रीन मार्कर वाला भी हो गया। अब देखो ना ये एम से एक्स, ये जो रेड मार्कर वाला जो है, सो ये कहां से है, एक्स से एम जा रहा है, एक्स से एम जा रहा है, तो एक्स से एम तक के दो कैपेसिटर्स हैं, सो एक्स टू एम, तो एक्स टू एम ये एम पॉइंट और एक्स है, तो यहां पे क्या हो गया, एक कैपेसिटर ही हो गया, एक कैपेसिटर ही हो गया, करेक्ट। सो ये पॉइंट को आप ले लो ऐसे, ठीक है। अब सिमिलरली मैं ले रहा हूं कौन सा, एन पॉइंट के लिए, तो एन पॉइंट से वाई के लिए दो कैपेसिटर आ रहा है, एन से वाई के लिए दो कैपेसिटर, ठीक है। तो उसको मैं ब्लैंक मार्कर से लेता वैसे ले लेता हूं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ये दो कैपेसिटर ऐसे आ गए, ये पैनल वाले, ठीक है। एंड एट द एंड वी आर फाइंडिंग कि एम टू एन, सो एम टू एन वाला ये वैल्यू हो गया। अब टोटल ना 12 साइड एज होते हैं इसके, तो 12 कैपेसिटर्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक मिसिंग है।
अब वो एक मिसिंग कहां है, क्योंकि क्या होता है ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी ना लोग इस चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, दैट इज द वेरी बिगिनिंग वाला पार्ट जो ना इसको हमने लिया ही है ना, तो जो वी से जीरो पे जा रहा है, तो वी से जीरो वाला ब्रांच ये हो गया, ये हो गया कैपेसिटर विच इज बिटवीन वी टू जीरो ब्रांच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब अगर ये कैपेसिटेंस सी है, ये कैपेसिटेंस सी है, ये भी कैपेसिटेंस सी है, ये भी कैपेसिटेंस सी है, सबका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टास्क है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कैपेसिटेंस होगा ना, ये कैपेसिटर की वैल्यू होगी 2C, ये कैपेसिटर का वैल्यू भी होगा 2C, ये कैपेसिटर का वैल्यू भी होगा 2C। तो मैं पॉइंट्स ले लेता हूं, तो ये पॉइंट वी ले लिया मैंने, फिर पॉइंट क्या होगा एक्स हो गया, फिर पॉइंट क्या ले लिया मैंने वाई ले लिया, फिर पॉइंट क्या हो गया जीरो हो गया। अब ऐसा क्यों करो, आप धीरे धीरे समझ जाओगे थोड़ी देर में। और ये पॉइंट हो गया एम हो गया, फिर ये पॉइंट क्या हो गया एन हो गया, ठीक है। अब देखो वी और एक्स के बीच में जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2C हो जाएगी, गॉट इट। एम और एक्स के बीच में जो कैपेसिटर है वो भी क्या होगा, 2C हो जाएगा, फाइन। अब जो एम और एन से जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू सी होगी, और जो एन से वाई कैपेसिटर उसकी वैल्यू भी 2C होगा, क्योंकि पैरेलल है ना। अब उसके बाद एक्स और वाई के बीच में जो कैपेसिटर है वो भी क्या होगा, 2C होगा। अब उसके बाद वाई टू जो जीरो के बीच में है वो उसका भी कैपेसिटेंस क्या होगा, 2C होगा पैरेलल। और वी से जीरो के बीच में क्या कैपेसिटेंस होगा, वो होगा सी। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये तीनों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ये तो कैपेसिटेंस सी हो गया। तो अब 2C और इसको सिंप्लीफाई किया आपने, ये ब्रांच को सिंप्लीफाई किया, ये किसमें कनेक्टेड है, ये है सीरीज में कनेक्टेड, ठीक है। तो सीरीज का क्या क्राइटेरिया है, तो मैंने उसको ले लिया 1/CS, तो 1/CS का वैल्यू क्या होगा, 1/, ये पहला कैपेसिटेंस क्या है 2C है, दूसरा कैपेसिटेंस क्या है सी है, तीसरा कैपेसिटेंस क्या है वो भी 2C है। तो एलसीएम ले लिया तो क्या होगा 2C हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये 1 हो गया, इसका एलसीएम ये 2 हो गया, और ये क्या होगा, ये 1 हो गया, तो क्या 4/2C हो गया, ठीक है। तो कैंसिलेशन का वैल्यू क्या होगा, 2/C हो गया, ओके। तो फाइनली देयरफॉर सीएस का वैल्यू क्या आ जाएगा, सीएस विल बी C/2, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। सो ये जो वैल्यू है, मतलब ये वी वाला पॉइंट था ना, ये वी पॉइंट, तो अब वी और एक्स के बीच में क्या है, 2C कैपेसिटेंस है, ठीक है। और एक्स एंड वाई के बीच में कौन सा कैपेसिटेंस है, 2C कैपेसिटेंस है। लेकिन उसके ऊपर का जो कैपेसिटेंस, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया ना अभी, कौन से फॉर्म में, सीएस के फॉर्म में। तो जो सीएस की वैल्यू वो कितना हमको मिला, वो मिला है C/2। अब उसके बाद जो कैपेसिटेंस है ये वी हो गया, ये पॉइंट को हमने एक्स लिया हुआ है, ये पॉइंट को हमने वाई लिया हुआ है, और ये जीरो पोटेंशियल वाला, तो ये क्या है 2C है। और फाइनली क्या है, इनके बीच में ये सी वाला कैपेसिटेंस यहां पे, ये वाला, ये भूलना नहीं अपने को, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हम, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रांच को, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम पैरेलल फर्स्ट टाइम लेते हैं, तो उसको हम सीपी जो है किसका एडिशन है, वो सीएस का एडिशन है, और किसका, 2C का एडिशन है। सीएस की वैल्यू कितनी है, C/2 है, और 2C का वैल्यू ये है 2C। सो ये 2 हो गया, ये सी हो गया, एलसीएम 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 4C हो जाएगा। तो फाइनली सीपी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5C/2 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 5C/2। अब इसका जो सिंप्लीफाइड डायग्राम होगा वो क्या होगा, सिंप्लीफाइड डायग्राम देख लो आप, सिंप्लीफाइड डायग्राम इन द सेंस ये वैल्यू हो गया आपका 5C। तो यहां पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये पॉइंट वी था, ये पॉइंट एक्स था, ठीक है, फिर ये पॉइंट क्या था, वाई था, फिर ये जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट। तो यहां पे क्या है, अभी ये तो 2C है, ये वैल्यू भी 2C है, लेकिन एक्स और वाई के बीच का जो है ना, ये सिंप्लीफाई किया हमने ना, तो ये वैल्यू हमको सीपी मिला एक्स वाई के बीच में। तो एक्स वाई के बीच में जो वैल्यू मिली है वो सीपी हो गया अभी, दैट इज द सीपी। सीपी का वैल्यू कितना है, 5C/2। और फिर उसके बाद जो ओवरऑल आंसर है वो क्या है, यहां पे कैपिटल सी, ये वाला पार्ट नहीं भूलना अपने को, ठीक है। और ये इसके बीच में निकालना है पोटेंशियल। तो अब क्या हो गया, 2C और 5C/2 ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, है ना, ये तीनों सीरीज में हो गए। तो मैं इसको सीएस डैश ले लेता हूं, क्योंकि एक हमने सीएससी वाले ऑलरेडी ली हुई ना यहाँ पे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CS-1/CS- की वैल्यू क्या होगी, तो 1/CS- का वैल्यू, जो पहला वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू 1/2C है, जो सेकेंड वैल्यू हो गया 1/5C/2 है, 1/5C/2 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 1/2C। तो क्या करना है, उसको फिर चैलेंज करो, ये 1/2C हो गया, इसको एडजस्ट करोगे तो 2/5C हो जाएगा, ये क्या होगा 1/2C, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 10C हो जाएगा, तो ये 5 आएगा यहाँ पे, 5 × 2 = 10, मतलब ये 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 5 हो गया। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/CS- का वैल्यू में क्या मिला,
ये मिला 14 अपॉन 10 सी, कैंसिलेशन का वैल्यू कितना हो गया, ये 7 बाय 5 सी हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी एच डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 सी अपॉन 7 हो गया, 5 सी अपॉन क्या हो गया, ये 7 हो गया। गॉट इट। तो अब अगर डायग्राम को मैं और सिंपलीफाई, ये जो वैल्यू है ये कितना है, ये सी है ना, ये 2 सी है, सॉरी सॉरी मैंने यहां पे 2 सी लिखा, अच्छा ये सी है, ये वैल्यू भी सी होगा। ठीक है, अब जो आखिर में डायग्राम मिलेगा वो हमें डायग्राम क्या मिल रहा है, जो ये वैल्यू है ये क्या होगा, ये सी एच डैश हो गया है बराबर, और जो उसके बिलो में है वो क्या है, सी का वैल्यू है। करेक्ट, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो आप बताओगे सी एच डैश एंड सी आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू, सीपी का वैल्यू क्या हो गया, सी एस डैश प्लस क्या हो गया, सी, सी एच डैश का वैल्यू क्या है, 5 सी अपॉन 7 प्लस क्या हो गया, सी हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 सी हो गया प्लस क्या हो गया, ये 7 सी हो गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 12 सी अपॉन 7। ठीक है, तो बट अगर यही वैल्यू ना रजिस्टर के लिए होता तो आपको जो फाइनल आंसर होता ये क्या 7 बाय 12 हो जाता, और सी के जगह क्या होता, आर की वैल्यू होती हमारे पास। तो ये क्वेश्चन ना बहुत एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोल सकता मैं, लॉजिकल है, लॉजिकली आप चीजों को समझ पाते हो तो आप इनको सिंप्लीफाई कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देते हैं, तो मतलब डायरेक्टली आंसर आपका याद करोगे तो बेटर है, पहले वाले का 6c/5 एंड अभी वाले का क्या हो गया 12c/7, और जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करोगे तो इन क्वेश्चन को फिर से आप ऑलमोस्ट रिवाइज करोगे इस पैटर्न को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो बहुत ही सिंपल ये टॉपिक्स है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।